मद्राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली भी सेव्य मानो स्मरामि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र बिलसत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्त्रस्त स्त्रस्त निवद्ध नीवि बिलसत गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्त नतापवर्ग मखलो दारम किशोराकृति नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षये सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूपदुर्गतजनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमतेर्दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो उदार कथा प्रसंगः यैर्नश्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यैः पुरुषपुराणः हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां वृथा जन्मगतं नराणां बुलुष वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्री मदन मोहन लाल की जय श्री राधारमण लाल की जय श्री शांतारमण लाल जू की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण तदंतर्गत आज प्रथम दिवस पूर्व सत्र में श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों के सन्मुख श्रीमद् भागवत संहिता के महात्म्य का पद्म पुराण के अंतर्गत निरूपण कराए, जिसमें ये स्थापित किया कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी है श्रद्धावान व्यक्ति, इसके वर्ण्य विषय हैं स्वयं स्वरूप श्री वृजेन्द्र श्याम सुंदर, श्रीमद् भागवत का प्रयोजन पदार्थ है श्री कृष्ण प्रेम सेवा और उस कृष्ण प्रेम सेवा को प्राप्त करने का साधन है नवधा भक्ति। अब संहिता भाग को प्रारंभ कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्तत् सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तु कूकं सत्यं परम धीमहि। इस मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का यहाँ प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण तीन प्रकार के हैं, कहीं श्रीमद् भागवत का या उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है ये बताया जाए, उसको कहते हैं वस्तु निर्देश। यहाँ की मुख्य वस्तु कथा वस्तु विषय प्रतिपाद्य वस्तु क्या है। दूसरे प्रकार का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। तीसरा मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। यहाँ सबसे पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का उल्लेख किया गया,
और ये कहा गया सत्यम परम धीमहि, हमको उस पर परम तत्व का जो सत्य है और पर माने सर्वश्रेष्ठ है उसका ध्यान करना चाहिए। धीमहि ये एक आदेश है, विधिलिंग है कि उस वो ही उपासना करने योग्य है। ध्यायेम इस अर्थ में धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान हैं। परम कहकर के ये दिखलाया कि ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों ही जो उपास्य तत्व हैं उनमें भी सर्वोत्तम उपास्य के रूप में, भगवत्ता की भी परम सीमा के रूप में श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। श्री प्रभु उनमें तीन शक्तियां परतत्व में विराजमान हैं, आह्लादनी, संधिनी और संवित। इसमें संधिनी सार शुद्ध सत्व नाम, संधिनी का सार है विशुद्ध सत्व, जिस विशुद्ध सत्व से श्री भगवान का स्वरूप, श्री भगवान का सारा परिकर और वैकुंठ धाम प्रकट होता है। तो संधिनी का तात्पर्य है कि भगवत स्वरूप और भगवान का वैकुंठ वह प्राकृत त्रिगुणों का बना हुआ नहीं है, बल्कि वह विशुद्ध सत्व नाम की कोई दिव्य वस्तु है, उस दिव्य वस्तु से बना हुआ है, कोई वस्तु ही अलग है, उससे भगवान बने हुए हैं। केवल वे ही नहीं बल्कि उनके लीला की प्रत्येक वस्तु एक कण का वह विशुद्ध सत्वात्मक है, प्राकृत सत्वात्मक नहीं है। उनमें संबित शक्ति की भी पराकाष्ठा प्राप्त होती है, संबित माने ज्ञान, ज्ञान शक्ति की भी उनमें पराकाष्ठा प्राप्त है। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संविदेर सार, श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान यह संबित शक्ति का सार है। संधिनी का सार है विशुद्ध सत्व, संबित का सार है कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान, और आह्लादनी का सार है श्री राधा ठाकुरानी, श्री प्रिया जी। श्री कृष्ण इस प्रकार लादिनी, संधिनी और संबित तीनों शक्तियों के परम स्वरूप हैं, सत्यम परम धीमहि, जिनके आगे ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके जितने भी स्वरूप उन सब स्वरूपों के परम माने वे अवतारी होकर के विराजमान हैं। ब्रह्म का तात्पर्य है कि परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत, जो वस्तु किसी से ढकी नहीं हो और जिस जैसा कोई दूसरा न हो उसका नाम ब्रह्म। ब्रह्म किसी से ढका हुआ नहीं है, वो सर्वव्यापक होकर के विराजमान, विभू होकर के विराजमान, और उस जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं, इसलिए वह जाति या सामान्य से भी रहित है, ऐसा वो ब्रह्म है। परंतु वह ब्रह्म अपनी शक्तियों को अपने साथ में छिपा करके ही विराजमान हैं, उन शक्तियों को प्रकट नहीं कर रहा है। सेठ जी के पास में माल तो बहुत है परंतु दिखा नहीं रहे, ऐसी स्थिति हुई। श्री कृष्ण ऐसे ब्रह्म तत्व जो सबका मूल आधार है, आश्रय है, उससे भी परे होकर के विराजमान, अतः सत्यम परम, वे परम होकर के विराजमान है। जब
वे अपनी कुछ शक्तियों का प्रकाशन करते हैं तो वही परमात्मा होता है। परमात्मा के में दो शक्तियां विशेष रूप से प्रकट होती हैं। एक शक्ति है कि वह सबके भीतर व्याप्त है और दूसरी परमात्मा माने साक्षी है, और तीसरी दूसरी जो वस्तु है, दूसरी वस्तु वह सृष्टि पालन संहार इनका कारण है। श्री कृष्ण आप परमात्मा होकर के विराजमान हैं, परंतु परमात्मा से भी ज्यादा अपने माधुर्य आदि गुणों को प्रकट करते हुए विराजमान हैं। इससे सत्यम परम, वे ब्रह्म से भी परम हैं, श्रेष्ठ हैं, सबके आश्रय होने से भी श्रेष्ठ हैं, वे परमात्मा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि परमात्मा में केवल साक्षी और सृष्टि पालन संहार करने के केवल दो ही गुण प्रकट होते हैं, परंतु उनमें लीला विहारी माधुर्य कृपालुता प्रभृति सभी गुण श्री कृष्ण में प्रकट, भगवान में सारे गुण प्रकट। परंतु भगवत्ता का भी सार कहा है, क्या है बोले, श्री भगवत्ता का भी सार है माधुर्य। निराकृत लीला का जैसा माधुर्य श्री कृष्ण में विराजमान है, ऐसा निराकृत लीला का माधुर्य श्री वैकुंठनाथ में भी नहीं है। अतः भगवान से भी वे परे होकर के विराजमान हैं, वे स्वयं भगवान होकर के विराजमान हैं। इसलिए उनको एक परम शब्द कहकर के उनका संबोधन किया गया, सत्यम परम धीमहि। वे सत्य होकर के भी विराजमान हैं। सत्य का तात्पर्य है कि जो त्रिकाल अबाधित हो, सबका आश्रय हो, कुंडल कंकण बनने के पहले भी स्वर्ण था, जब कुंडल कंकण है तब भी स्वर्ण है, और जब कुंडल कंकण का रूप बिगड़ जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तब भी वह सोना यूं की त्यों बना रहेगा। इसलिए त्रिकाल अबाधित होकर की जो वस्तु विराजमान है वही परम परम श्रेष्ठ होगी। तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में जो कहीं समाप्त न हो, ऐसी वस्तु को सत्य कहेंगे। जो समाप्त हो जाएगी वह वस्तु पूरी पूरी तरह से उपास्य नहीं हो सकती है, परम उपास्य नहीं हो सकती है, कूटस्थ उपास्य नहीं हो सकती है। ऐसे सत्यम परम धीमहि उन श्री प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वे प्रभु ही तत्वतः भजन करने योग्य हैं, कृष्णचंद्र ही भजन करने योग्य हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्रों में कहा गया। अथ का तात्पर्य है कि अनंतर माने कर्मकांड से जब बाद में कर्मकांड को जब समझ लिया, उस पूर्व मीमांसा के बाद में जो वस्तु प्राप्त हो उसका नाम है अथ। अथ माने योग्यता प्राप्त करने के बाद में, अथ माने बाद में, पर अनंतर। अथ के दो अर्थ, अनंतर और योग्यता। जब कृपा की प्राप्ति हो गई, योग्यता की जीव में प्राप्ति हो गई, श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाए, तब ब्रह्म का वह स्वरूप समझ में आता है, अन्यथा वह स्वरूप समझ में नहीं आता है। तो अथ का तात्पर्य हुआ कि साधक ने जब अपने मन को निर्मल कर लिया, और निर्मल नहीं भी हुआ है तब भी कृपा की योग्यता उसमें प्राप्त हो गई है, ऐसे साधक को फिर पूर्व पूर्व जो उसके उद्देश्य थे उन उद्देश्यों के बाद में अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। वेद का प्रयोग पहले साधक करता रहा धर्म अर्थ और काम के लिए, परंतु अब धर्म अर्थ और काम के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अब उसका प्रयोग करेंगे हम किसी आगे की वस्तु के लिए, मोक्ष के लिए उसका प्रयोग करेंगे। वे प्रसंग भी कर्म कांड में भी बराबर आए, परंतु कर्म कांड में उनका हम केवल धर्म अर्थ काम के लिए, पूजा के लिए केवल प्रयोग करने लगे। भाई ठाकुर जी को भोग लगाना है तो धड़ल्ले से बस बोले जा रहे हैं,
नाभ्य आसीद अंतरिक्षम शीशनो दोग संभवतः। आरती करनी है तो चंद्रमा मनसो याता कह करके बस आरती किए जा रहे हैं, दीपदान किए जा रहे हैं, पुष्पांजलि देनी है तो यज्ञ यज्ञ देवा कह करके पूजन किए जा रहे हैं, परंतु उस श्लोक का क्या अर्थ है, उस सूक्ति का क्या अर्थ है, इसकी ओर ध्यान नहीं है। उस सूक्ति का प्रयोग, उस श्लोक का प्रयोग केवल धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों के लिए हमने किया कि हमारा पूजन पूरा हो जाए और पूजन का फल हम जो चाह रहे हैं वो मिल जाए। परंतु अब ब्रह्मसूत्रों के बाद में, ब्रह्मसूत्र जब आए तब वेदांत में अब उन मंत्रों का जो मोक्ष के लिए प्रयोग है, मोक्ष से भी बढ़कर के पंचम पुरुषार्थ भक्ति के लिए जो प्रयोग है उसका हम प्रयोग करेंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का तात्पर्य है कि हमने पहले उनका जिस अर्थ में प्रयोग किया था उनका त्याग करके अब आगे का कोई एडवांस जो अर्थ है उसके अर्थ में उनका हम प्रयोग करेंगे। फिर अतः, अतः माने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। वो उद्देश्य क्या है कि अब हमको धर्म अर्थ काम प्राप्त नहीं करना है, हमको मोक्ष और भगवत सेवा से माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य भी बदल गया है। अतः माने इसके बाद में उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, ब्रह्म का ही जिज्ञासा करेंगे। अब हम जीव के विषय में, जगत के विषय में, जगत की वस्तुएं हमको प्राप्त हो जाएं इसके लिए हम जिज्ञासा नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है वही सत्यम परम धीमहि इस शब्द का, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि अब परम श्रेय को प्राप्त करने के लिए हम श्री प्रभु से प्रभु की जिज्ञासा करते हुए विराजमान होंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उनकी हम जिज्ञासा करेंगे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए या भगवत सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य और पर पदार्थ है उसका हमको ध्यान करना चाहिए। ऐसे स्वरूप लक्षण का वर्णन करके अब तटस्थ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म के, उस परतत्व के, कि वो परतत्व कैसा है। तटस्थ लक्षण उसको कहेंगे जो लक्षण कभी प्रकट हो कभी प्रकट नहीं हो, उनका नाम है तटस्थ लक्षण। जैसे कोई ये कहे कि देवदत्त का घर कौन सा है, वो जिसके ऊपर हमने कल तोता बैठा हुआ देखा। अब कोई तोता बैठा ही थोड़ी रहेगा, तोता तोड़ भी सकता है, कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा, तो उसको तटस्थ लक्षण कहेंगे। जो सदा बना रहे आकृति प्रकृति हो उसको कहेंगे स्वरूप लक्षण। जो लक्षण कभी प्रकट हो कभी नहीं हो उसको हम कहेंगे तटस्थ लक्षण। ऐसे ही ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का निरूपण किया जा रहा है, ब्रह्म सूत्र का ही प्रयोग कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र ही है कि अस्य माने इस जगत का जन्मादि यतः, जन्म आदि जन्म स्थिति संहार जिस तत्व से हुआ उसका हम धीमहि ध्यान करते हैं, उसका हमको ध्यान करना चाहिए। जन्माद्यस्य यतः, ये तटस्थ लक्षण हुआ। अन्वयात्, उसका जो जन्मादि है वो किसके कारण हुआ, बोले श्री भगवान के कारण ही हुआ। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, तद्व्यतिरेके तद्व्यतिरेकः व्यतिरेकः, तद अभावे तद अभाव। यहाँ पर अन्वयात कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की सत्ता के कारण ही जगत की सत्ता है, परंतु जगत की सत्ता न रहने पर भी ईश्वर की सत्ता बनी रहेगी, यह व्यतिरिक लक्षण भी वहां पर विराजमान है। तद अभावे तद्भाव, ये व्याप्ति नहीं बन सकती है कि ईश्वर का अभाव होने पर जगत, ईश्वर का अभाव कभी होगा ही नहीं, इसलिए दूसरी जो व्याप्ति है वो नहीं बन सकती है। इसको इस तरह से लेना पड़ेगा कि जगत का अभाव होने पर भी
ईश्वर का अभाव नहीं होता है। इसलिए अन्वया और इतरता माने अन्वय और व्यतिरिक दोनों ही प्रकार से श्रुतियां ब्रह्म को ही जगत का मूल कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध करती हैं। और इतरतश्च चकार के द्वारा दिखाया कि वह निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है, केवल उपादान कारण ही नहीं है बल्कि वह निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है, रचना करने वाला होकर के भी विराजमान, जो स्वयं किसी अन्य रूप में परिणत न हो परंतु रचना में जो नियत पूर्वभावी होकर के विराजमान हो उसको हम निमित्त कारण कहेंगे। कुम्हार स्वयं घड़े के रूप में परिणत नहीं होगा परंतु कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता है, तो कुम्हार हो गया घड़े का निमित्त कारण। तो जन्माद्यस्य यतः इस संपूर्ण संसार का ब्रह्म ही जन्म स्थिति और प्रलय उनका कारण है, अर्थात वही जगत का उपादान कारण होकर के विराजमान, शक्ति उपादान होकर के माया रूपी उपादान के द्वारा वही जगत को अपने आप को प्रकट करता है। और इतर तस्य का तात्पर्य है कि वह रचना करने वाला भी वही है, भगवान ही इस जगत के मशीन मैकेनिक और मैटर तीनों वस्तु हैं, उपादान कारण भी हैं, बनाने वाले कुम्हार भी वही हैं, मिट्टी भी वही हैं और चाक भी वही हैं, भगवान ही सब संपूर्ण होकर के विराजमान। तो जन्माद्यस्य हेतुन्वया इतरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वरा जगत, क्यों जी भगवान इस जगत के सर्व कारण हैं तो क्या तुम ब्रह्मा की बात कर रहे हो, क्या तुम प्रकृति की बात कर रहे हो, प्रकृति जगत का उपादान कारण है? तो कह रहे हैं नहीं, प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, प्रकृति जड़ है। कारण वो होगा जो स्वयं चेतन होकर के विराजमान है, और चेतन पदार्थ प्रकृति नहीं हो सकती है, चेतन पदार्थ ईश्वरी हो सकता है, जीव भी नहीं हो सकता है चेतन पदार्थ, क्योंकि जीव का चेतनता जीव का ज्ञान भी बड़ा अल्प है। इतने बड़े जगत को बना देने वाला जीव नहीं हो सकता, वह कोई बड़ा ही है। इसलिए अर्थेष्वभिज्ञ जो इतनी बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने में समर्थ है वह अभिज्ञ होकर के विराजमान वही उपास्य हो सकता है, न तो जीव उपास्य हो सकता न जगत उपास्य हो सकता है। तो स्वराट कहकर के जीव भी वो नहीं है और जड़ चेतन भी नहीं है, तो क्या ब्रह्मा की बात कर रहे हो? तो कह रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय आद कवे, बोले हम ब्रह्मा क्यों भी उपासनी बता रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आद कवे, जिन्होंने ब्रह्मा को भी ज्ञान प्रदान किया इसे ब्रह्मा की उपासना नहीं करी है, कर रहे हैं ब्रह्मा के भी उपास्य हैं, जिन्होंने आद कवि ब्रह्मा उनके हृदय में भी ज्ञान प्रदान किया, उनके द्वारा सृष्टि कराई, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि मुह्यंत यज्ञ योगिना, हाँ बड़े बड़े योगीगण और तो और क्या ब्रह्मा भी मोहित हो जाए, योगीगण भी मोहित होकर के विराजमान हैं। मुह्यंत यत योगिना तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यतत्व सर्वोम मृषा, वे श्री श्याम सुंदर तेज वारी और मृद सबके भीतर उसी प्रकार व्याप्त हैं जैसे व्यत्यास रूप में पृथ्वी में आकाश के गुण भी विद्यमान हैं, जल के गुण भी विद्यमान हैं, तेज के गुण भी विद्यमान हैं, वायु के गुण भी विद्यमान हैं, पृथ्वी में आते आते सबके गुण जैसे विद्यमान इसी प्रकार वे सबके भीतर विराजमान हैं। तेज वारी और मृत इन सब में विनमय माने सबके भीतर वह ईश्वर विद्यमान होकर के विराजमान, जैसे कार्य के में कारण के गुण विद्यमान ऐसे ही भगवान ही सबके भीतर विद्यमान होकर विराजमान है। यतत्सर्गो मृषा उनने
जो भी सृष्टि की वो सारी सृष्टि त्रिसर्ग स्थावर जंगम सत्वर स्तंभ से बनी हुई जितनी भी सृष्टि है वह सारी की सारी सृष्टि त्रिसर्ग कोई सत्वगुण से बना हुआ है, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से, परंतु सारी की सारी सृष्टि अमृषा सत्य होकर के ही विराजमान है, वो मिथ्या नहीं है, सारी सृष्टि सत्य होकर के ही विराजमान। उस सत्य सृष्टि के द्वारा सत्य प्रभु की आराधना की जाएगी। जगत को असत्य नहीं माना जा सकता, जगत की सत्ता भी माननी पड़ेगी, क्योंकि यदि जगत को असत्य मान लिया तो जगत को असत्य मानने पर फिर उपासना भी असत्य हो जाएगी, जो पूजा की जा रही है वो पूजा भी असत्य हो जाएगी, सब कुछ असत्य हो जाएगा। हाँ, जगत की स्थिति ये है कि वह परिणामी तो है परंतु वह असत्य नहीं है, जगत परिणामी है इसलिए उसको मिथ्या कह दिया गया, वह असत्य है इसलिए उसको मिथ्या नहीं कहा गया। यत्तत्सर्गो अमृषा, जहाँ पर त्सर्ग अमृषा मन सत्य होकर के विराजमान है, धाम नास्वेन सदा नरस्त कोकम, जो अपनी कृपा के द्वारा सदा नरस्त कोकम भक्तों के हृदय के जितने भी अज्ञान उनको दूर करने वाले हैं, वे विशुद्ध सत्वात्मक होकर के भगवान विराजमान हैं, इसलिए सदा नरस्त कोकम वे जो अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट करते हुए विराजमान हैं, ऐसे सत्यम परम धीमही त्रिकाल अबाधित, जो पर माने जगत से पर जीव, जीव से पर ब्रह्म, ब्रह्म से पर परमात्मा, परमात्मा से भी पर भगवान अर्थात श्री नारायण, नारायण से भी पर जो श्री ब्रजेंद्र नंदन रसात्मक कृष्ण होकर के विराजमान हैं, उन रसात्मक कृष्ण का हम धीमही ध्यान करना हमको चाहिए, उनका हम ध्यान करते हुए विराजमान हैं। इस प्रकार जो परतत्व है उस परतत्व का इस ग्रंथ में निरूपण किया जाएगा या स्थापन हुआ है। इस श्लोक के इस पद्य के अनेक अनेक अर्थ किए गए, इनमें वो परतत्व परम मधुर होकर के विराजमान भगवत्ता का सार माधुर्य है, और माधुरी पर के अर्थ करें तो माधुरी पर का अर्थ श्री कृष्णचंद्र में ही एकमात्र विराजमान हो, परम धीमही हम उस युगल सरकार की वंदना कर रहे हैं जो परम परम सत्य होकर के विराजमान हैं। रसिक जनों ने जहां पर वर्णन किया कि मायरी सहज जोरी प्रकट भई जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, जैसे बादल और बिजली उसकी कोई संरचना करने वाला नहीं है, वो स्वाभाविक है, ये जोड़ी किसी ने मिलाई नहीं है, ये सहज जोड़ी है, कोई बादल का बिजली के साथ में कोई घटक बीच में नहीं है, दोनों की शादी कराने वाला कोई बीच में नहीं है, वो सहज है, तो युगल भी सहज है, श्री प्रियालाल वे भी सहज होकर के विराजमान हैं, और उन वे सहज हैं तो उनकी प्रीति भी सहज है। मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, ये सहज जोड़ी है, सहज कहने का तात्पर्य है कि कौन बड़ा कौन छोटा ये भी नहीं, सदा ही वे सर्वदा सर्वदा शक्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं, ये ऐसी जोड़ी है जो कि सर्वदा सर्वदा है, किसी के द्वारा न तो ये जोड़ी मिलाई गई है और न आगे पीछे कभी मिली, यह स्वाभाविक रूप में विराजमान, ये सम किशोर जोड़ी नहीं प्रकट भई सुखसार जन्म कर्म जाके नहीं सहज विहार आहार, ये सम किशोर होकर के विराजमान, शक्ति से शक्तिमान कभी अलग है ही नहीं, शक्ति शक्तिमान सर्वदा वह शक्तिमान सर्वदा शक्ति से युक्त होकर के ही विराजमान है। सुखसार जोड़ी है,
तो सत्यम मैं त्रिकाल अबाधित होकर के विराजमान है वो पदार्थ। वो कैसा है? वो जहां पर अपूर्व सारे गुण विराजमान उनमें सहज रूप में विराजमान हैं, जिनके श्री नूपुर की ध्वनि मात्र से, आभूषण की ध्वनि मात्र से अनंत कोट ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, ऐसा वो सत्यम परम परम होकर के वह विराजमान है। सत्यम माने त्रिकाल अबाधित है, परम होकर के अनंत शक्ति विराजमान है, परंतु वे अनंत शक्तियां अचिंत्य रूप से अपने आप कार्य करती हुई विराजमान हैं, उनको उनकी लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, वो शक्तियां अपने आप सारा कार्य करती हुई विराजमान हैं, ऐसा वह मधुर स्वरूप होकर के विराजमान हैं, परम होकर के, जहां माधुरी ही भगवत्ता का सार होकर के विराजमान हैं, ऐसा वो स्वरूप विराजमान। एक मूल स्थूल लो द्वै सकंध समवैस सेवत सघन सखी सवे जान समय जस जैस। वह समकुल किशोर जोरी है, एक मूल, एक जो रसतत्व है, वह रसतत्व ही प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन, इन चार रूपों में सर्वदा सर्वदा वह विराजमान है, वो भेद शून्य होकर के विराजमान। अतः सत्यम परम, परम कहने का तात्पर्य है भेद शून्य होकर के विराजमान। लीला करने के लिए वही चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है, प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन, इन चार रूपों में वह अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहा है। तो सत्यम माने त्रिकाल अबाधित, परम का मतलब है कि अखंड तत्व के रूप में वह विराजमान, परंतु अखंड तत्व होते हुए भी वह अपूर्व रूप से चार रूपों में अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहा है, ऐसी उस लीला का हम ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम भीम। अब ये श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? वो जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य मन श्रृंगार रस का, यतः जन्म उन श्री श्याम सुंदर के द्वारा ही पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ, जो नित्य रसमय पदार्थ था उस नित्य रसमय पदार्थ का ही वहां पर आविर्भाव हुआ। आद्यस्य यतः जन्म श्रृंगार रस का, यतः माने जिन श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी से जन्म हुआ। अन्वया श्री श्याम सुंदर जिन श्री प्रिया जी के अन्वयात, सदा सदा पीछे पीछे, अनु आयात पीछे पीछे चलते हैं, अनु माने पीछे, आयात माने जो चलते हैं, और इतरतश्च वे प्रिया कभी मिलन के द्वारा और कभी इतरतश्च माने वियोग विरह मान के द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। जन्मादेशी यतः अन्वयात व इतरतश्च, अन्वयात ये श्याम सुंदर और इतरतश्च माने माननी होकर के जो श्री राधिका, सर्वदा सर्वदा मान के द्वारा श्री श्याम सुंदर के प्रेम को पोषित करती हुई विराजमान है। अर्थेष्वभिज्ञा वे श्री प्रियालाल दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे की सेवा की जाए, इस सेवा रूप अर्थ को परिपूर्ण रूप से जानने वाले हैं। जैसे ये सेवा के अर्थ को जानते हैं, ऐसे सेवा के अर्थ को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। अर्थेष्वभिज्ञा इस श्री नृकुंज मंदिर में, वृंदावन में सब परम परम सेवा प्रवीण होकर के विराजमान। श्याम सुंदर अपना सुख नहीं चाहते हैं, प्रिया जी का सुख चाहते हैं, प्रिया जी अपना सुख नहीं चाहती हैं, श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, सखीगण अपना सुख नहीं चाहती हैं, युगल का सुख चाहती हैं, श्री वृंदावन अपना सुख नहीं चाहते हैं, वे प्रिया लाल और सहचरी इनका सुख चाहते हैं, निज सुख कहीं है ही नहीं। अतः अर्थेषु कैसे
अपने इष्ट को सुख दिया जाए इसको ही वे जानते हैं अर्थेषु अभिज्ञा। वे श्री श्याम सुंदर विराजमान कहाँ हैं, क्या कर्म के वशीभूत होकर के जीव की तरह से वे कार्य कर रहे हैं? भाई नहीं नहीं, स्वराट वे स्वस्मिन राजते, निज स्वरूप में निज प्रेम में ही उनकी लीला है, किसी दूसरी कर्म के वशीभूत होकर के काल के वशीभूत स्वभाव के वशीभूत वे काल कर्म स्वभाव के वशीभूत नहीं है स्वराट, बल्कि काल कर्म स्वराट ये तीनों के तीनों उनके वशीभूत होकर के विराजमान हैं। वे स्वस्मिन राजते निज महिमा में ही सर्वदा सर्वदा विराजमान है स्वराट। पहले वेदांत परक तत्व परक अर्थ कराए थे, अब इसी श्लोक की जो व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या चल रही है माधुरी परक व्याख्या चल रही है। अर्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सेवा रूपी जो अर्थ है उसमें अभिज्ञ हैं, और स्वराट माने जो निज स्वरूप में प्रेम में ही विराजमान हैं, उनका जो व्यवहार वह काल कर्म स्वभाव के अधीन नहीं है स्वराट। स्वस्मिन राजते निज धाम श्रीमद वृंदावन में जो सर्वदा सर्वदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, उनकी ये रूप माधुरी केवल वो ही व्यक्ति जान सकता है जिसको उन्होंने कृपा करके अपनी रूप माधुरी का बोध कराया। एक कृपा में करे सो होई साधन सिद्ध रहा नहीं कोई, यहां कोई साधन सिद्ध है ही नहीं, जिसको हम कहते हैं साधन वो साधन भी कृपा ही है, उनकी कृपा है तो साधन है, कृपा नहीं है तो वो साधन भी नहीं हो सकता है। इसलिए वे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने जब कृपा की तो उनके स्वरूप को जाना जा सकता है। जापे कृपा करे श्री श्यामा ताहे सुन्यो रस भावे, जिसके ऊपर किशोर जी कृपा करे उसे ये रस अच्छा लगेगा, अन्यथा ये रस किसी को अच्छा लग ही नहीं सकता है। तो तेने ब्रह्म इस परम व्यापक प्रेम तत्व को श्री किशोर जी की कृपा के द्वारा ही तेने विस्तृत किया गया। आदि कवि पहले ये रस आदि कवि श्री सुखदेव जी उनके हृदय में वेद व्यास जी के हृदय में ये प्रकट हुआ और उनसे संपूर्ण जगत में उनके मुख से श्रीमद् भागवत के माध्यम से संपूर्ण जगत में यह प्रकट हुआ। मुह्यंत यूर्य, जिस रूप माधुरी का वेणु माधुरी प्रेम माधुरी का दर्शन करके मुह्यंत यूर्य, बड़े बड़े सूर्य जन भी ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं इस लीला के चक्कर में। ब्रह्मा जैसे भी आ जाए वे भी नहीं समझ पाए। तेजो वार मृदाम यथा विनमया, उन श्री श्याम सुंदर की लीला ऐसी अद्भुत कि तेज वारी मृद इनमें भी विनमय की प्राप्ति हो जाए, इनमें भी स्वरूप परिवर्तन हो जाए। श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करके आकाश में चंद्रमा फीका पड़ जाए, यमुना की धारा बहती हुई स्थिर हो जाए, और गोवर्धन की कठोर शिलाएं वे भी माखन के समान कोमल होकर के विराजमान हो जाए। तेज वारी और मृत इनमें विनमय, इनमें भी कहीं स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। यतत्र सर्वमृषा, वे श्री श्याम सुंदर अनेक प्रकार का रस आस्वादन करने के लिए, वे श्री किशोरी जो अनेक रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तीन यूथों में अपने आप को प्रकट करती हैं, स्वपक्ष प्रतिपक्ष और तटस्थ पक्ष। तो तिसर वह एक प्रेम का पोषण करने के लिए ही है, तो यत्र तिसर्ग अमृषा, ये तीनों जो पक्ष हैं श्री निकुंज लीला में, श्री चंद्रावली जी का पक्ष, श्री राधारानी का पक्ष और श्री भद्रा जी
उनका पक्ष, धन्यादि कन्याओं का पक्ष, ये सब के सब तीनों प्रकार की कुमारिकाएं उड़ा अनुड़ा सबकी सब अमृषा होकर के सत्य होकर के ही विराजमान हैं। यह तत्व सर्वो मृषा धाम नाश्वेन सदा निरस्त कोकम, या प्रेम इतना प्रभावशाली है कि धामना माने अपने प्रभाव से यह प्रेम मिलन में आने वाली जितनी भी कोक बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर कर सकने में समर्थ है। जनती प्रवृत्ति के द्वारा जो मिलन में बाधा उत्पन्न की गई वे सारी बाधाएं निरस्त होकर प्रेम अपने आप दूर कर देता है। श्री योगमाया शक्ति के प्रभाव से मिलन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ऐसा वो दिव्य प्रेम जहां पर कोई भी श्रम तम गम भ्रम ये पांचों वस्तुएं जहां प्रभावशाली होकर के विराजमान नहीं होती है। कब अभिसार हो गया पता ही नहीं है, कहां विरह हो गया, कहां मान हो गया, कहां प्रतिपक्ष हो गया, कहां आभास हो गया, ये सब पता ही नहीं है। ऐसा जो अपूर्व दिव्य प्रेम मिलोनी रहित वो अपूर्व दिव्य प्रेम सर्वदा सर्वदा विराजमान है उस सत्यम परम धीमहि, ऐसे धामना सेन सदा निरस्त कोकम, कोक माने मिलन की बाधाओं को जो दूर करता है, उस प्रेम का हम ध्यान करते हैं। उस प्रेम पुरुषोत्तम होकर के श्री प्रियालाल दोनों एक स्वरूप होकर के जहां अनंत मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान हैं, उस कोई श्री प्रियालाल के प्रेम विलास विवर्तमय स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। निताई गौर हरि, वो अपूर्व प्रेम विवर्तमय स्वरूप जहां श्री प्रियालाल दोनों आप मिले हुए विराजमान हैं, उसका हम जो सत्य और पर है उस प्रेम विलास विवर्त को हम ध्यान कर रहे हैं। विवर्त के तीन अर्थ, विवर्त माने जहां पर चेष्टाओं में परिवर्तन हो जाए उसका नाम है विवर्त। श्री श्याम सुंदर हैं आप विषय, पंत श्री राधा रानी की तरह से हे कृष्ण कहते हुए राधा भाव में पुकारने लग जाए। विवर्त का दूसरा अर्थ वो है प्रेम का परिपाक, जहां प्रेम अत्यंत अत्यंत ऊंची स्थिति को प्राप्त करके परिपाक को प्राप्त करके विराजमान हो उसका नाम है विवर्त। जहां वस्तु के रूप में भी परिवर्तन हो जाए वो है विवर्त। कुछ में कुछ की भ्रांति हो जाना ये भी विवर्त कहलाता है। वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाए वह विवर्त कहलाता है। यहां पर हैं श्याम सुंदर परंतु उनमें श्री राधा रानी का आरोप होकर के विराजमान, ऐसे कोई अपूर्व जो प्रेम विलास विवर्त में, प्रेम विलास में जहां अपूर्व प्रेम का उत्कर्ष है, जहां पर चेष्टाओं में परिवर्तन होकर के विराजमान, जहां स्वरूप में भी परिवर्तन होकर के विराजमान, ऐसा कोई अपूर्व दिव्य स्वरूप विराजमान, इस प्रकार श्री प्रियालाल के इस प्रेम तत्व का निरूपण करते हुए संकेत में श्री गौर स्वरूप वही श्री राधा कृष्ण मिलन का सर्वोत्तम स्वरूप है उस स्वरूप की ओर भी निरूपण कर दिया। निताय गौर हरि, ऐसे सर्वोत्तम उपास्य श्री राधा कृष्ण का निकुंज विलास और निकुंज विलास में गौर कांति के भीतर श्याम कांति समाहित हो गई है उस प्रेम विलास विवर्त का निरूपण करते हुए श्री श्रीमद् भागवत के सर्वोत्तम उपास्य तत्व का यहां निरूपण किया। अब दूसरे श्लोक में दूसरे पद्य में इस ग्रंथ की अपूर्वता निरूपण कर रहे हैं कि धर्म पुरोजित कई तवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शुभदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
किंबा पर ईश्वर सद्यो हृदय विरुद्यते कृतिभि शिशुषिस्पक्षा। ये श्रीमद्भागवती संहिता तीन असाधारण गुणों को धारण करके विराजमान है। पहला असाधारण गुण क्या है कि यहां प्रोज्जित कैतव धर्म का यहां ही निरूपण है। धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र, अत्र शब्द का इस श्लोक में तीन बार प्रयोग है। छल रहे धर्म सीधा सीधा के सब त्याग करके कृष्ण का भजन करो, इतना स्पष्ट रूप से जैसा वर्णन यहां है ऐसा वर्णन और कहीं दूसरी जगह नहीं है। कहीं भोग की इच्छा छल रूप में विराजमान है, कहीं मोक्ष की इच्छा छल रूप में विराजमान है। कृष्ण भक्त बाधक जितने भी कर्म हैं वे सब कहीं कैतव रूप हैं और उन कैतव धर्मों से अलग होकर के जो शुद्ध सेवा रूप धर्म है उसका यहां वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति भाव बाधक जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं उन सबों का त्याग करके शुद्ध भक्ति का इसी ग्रंथ में वर्णन है, ऐसा वर्णन किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। यह श्रीमद् भागवत की विशेषता। फिर दूसरी जो विशेषता है वो है कि ये ग्रंथ ऐसा है, वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र, जहां पर वास्तविक वस्तु वो ही वेद्य होकर के विराजमान। वास्तविक वस्तु क्या है? श्री कृष्णचंद्र। और वास्तविक प्रयोजन पदार्थ क्या है? कृष्ण सेवा, वो यहां ही बताई गई है। कृष्ण और प्रेम सेवा यहां के अतिरिक्त तो और कहीं दूसरी जगह इतने स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई। और श्रीमद् भागवते महामुनि, ये श्री श्रीमद् भागवती संहिता कैसी है इसकी तीसरी विशेषता है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र, कि श्री कृष्ण श्रवण करने की इच्छा के साथ ही साथ भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अत्र 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 तीन शब्दों का प्रयोग करके, तीन बार अत्र शब्द का प्रयोग करके ये दिखलाया गया कि प्रोज्जित कहीं तब धर्म दूसरी जगह नहीं है, वास्तविक वेद्य वस्तु दूसरी जगह नहीं मिलेगी और श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली विद्या जैसी ये है ऐसी कहीं दूसरी जगह ऐसी विद्या नहीं है। इस ग्रंथ का जो अवधेय तत्व है वो सर्वश्रेष्ठ है, साधन सर्वश्रेष्ठ साधन का यहां निरूपण किया गया, धर्म प्रोचित कहीं तो मूत्र। इसके अधिकारी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जो प्रेमी जन हैं वे ही इसके मुख्य अधिकारी, रसिक जन इसके मुख्य अधिकारी हैं। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम कहकर के दिखाया कि ये दयालु व्यक्तियों से भी बढ़कर के यहां पर जो सेवा परक जन हैं उनके धर्म का निरूपण किया गया। फिर उपास्य पदार्थ उसकी सर्वश्रेष्ठता दिखाई कि वेद्यम वास्तव वस्तु, प्रेम रूपी पुरुषार्थ और वास्तविक वस्तु कृष्ण, उनका जैसा यहां वर्णन है ऐसा मधुर वर्णन दूसरी जगह नहीं है, जिससे तापत्रय का उन्मूलन होगा। और इसके रचनाकार भी सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते श्री वेदव्यास जी इसके रचनाकार होकर के विराजमान हैं। जब ऐसा ग्रंथ विद्यमान है तो किंबा परैरीश्वरः, दैवत कांड में भी ये सर्वश्रेष्ठ है, अन्य देवताओं की ओर भागने की जरूरत नहीं है। और प्रयोजन में भी सर्वश्रेष्ठ कि श्री कृष्ण की आकर्षणीय विद्या हो करके ये श्रीमद् भागवती संहिता विराजमान है। ऐसा कहकर के ग्रंथ की अधिकारी संबंध अवधेय प्रयोजन इन चारों का वर्णन करके अब ग्रंथ की महिमा का एक श्लोक में गायन कर रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलतम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रस का भूभाव का। बोलिए श्रीमद् भागवती संहिता
वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल हैं। फल जब पक जाता है तो अपने आप पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कृपा करके ये पृथ्वी के ऊपर आए, परंतु ऊपर से टपके नहीं हैं, शाखा शाखा पर होते हुए ये अचक देसी गुरु परंपरा के द्वारा आए हैं। जो वस्तु एकाएक आएगी वो फट जाएगी, विकल हो जाएगी, परंतु जो परंपरा से आएगी वो विकल नहीं होगी, वो अविकल रूप में, अनाविल रूप में वह पृथ्वी के ऊपर आकर के विराजमान होगी। इसलिए यह वह ग्रंथ है जो कि बिल्कुल यथावत, बिना कहीं उसमें कीच नहीं है, कोई दूसरी चीज का उसमें स्पर्श नहीं है, सीधा सीधा अनाविल अविकल होकर के जो यहां पृथ्वी के ऊपर आ गई है। नारायण की शाखा से श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा की शाखा से नारद, नारद की शाखा से वेदव्यास, वेदव्यास की शाखा से सूत जी, सूत जी की शाखा सुखदेव जी, सुखदेव जी की शाखा से सूत जी, सूत जी की शाखा से श्री नारायण समारंभाम कृष्ण चैतन्य मध्यगाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। वो परंपरा अपूर्व रूप से योग्य तो विद्यमान, इसलिए अविकल रूप में ये यहाँ पर विराजमान हुई है। अब एक तो फल स्वयं मीठा और उसमें भी तोता चोंच लगा दे तो उसकी मिठास का क्या ठिकाना। तो शुक मुखाद मत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से प्रकट हुआ है, अथवा इस ग्रंथ का आस्वादन करना सर्वदा सुखदेव जी ने कोई प्रसंग, दुनिया भर के प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कहीं पत्नी की महिमा का वर्णन है, कहीं धन की महिमा का वर्णन है, सारे प्रसंग है, परंतु सुखदेव किस दृष्टि से कह रहे हैं उनकी दृष्टि को ध्यान में रखना। इन वस्तुओं को यथाश्रुत रूप में नहीं लिया जाएगा, इन वस्तुओं को स्वीकार किया जाएगा शुक मुखात, श्री सुखदेव जी ने जैसा उनका वर्णन किया उस दृष्टि से ही इनको ग्रहण करना। अमृत द्रव संयोतम, श्री रसकों के मुख से प्रकट होकर के ये कृष्ण कथा और भी ज्यादा मीठी हो जाएगी। पिवत भागवतम, इस भागवत का पान करो, पान करो, ये लोट लकार का प्रयोग, पिवताम पिवतो, ये लोट लकार का प्रयोग ये बतला रहा है कि आदेश दिया जा रहा है इसका पान अवश्य करो। ये भागवतम रसम, ये श्रीमद् भागवत रसमय फल है। रसमय फल कहने का तात्पर्य है कि इसमें कहीं छिलका गुठली नहीं है, ये रसमय फल है। फल कह रहे हो तो क्यों जी छिलका गुठली को निकाल करके अलग फेंकना है क्या, इसमें से कुछ ले लें कुछ निकाल दें, वो नहीं नहीं, ये ऐसा रसगुल्ले का आम है जिसमें जो डंठल लगाई गई है वो भी पिस्ता की लगाई गई है, जिसमें जो घुंडी लगी है वो भी सुंदर काजू की घुंडी है, इसमें जो बीज बनाया गया है वो भी मावा और किशमिश का बढ़िया बीज बनाया गया है, इसमें कोई भी चीज छोड़ने की नहीं है, ये लेमन जूस वाला आम है जिसमें कोई भी चीज त्याग करने की नहीं है, तो अगस्त रहित यह फल है। पिवत भागवतम रसम, ये रसमय फल है, इसका पान करो, पान करो। आलयन, ये रस का पान भी मोक्ष की अवस्था में भी करने का है, अन्य जितने भी साधन वे साधन सिद्धि के बाद में साधन का त्याग किया जा सकता है, परंतु ये एक ऐसा साधन है जो कि मोक्ष में भी निकुंज में भी इसका त्याग नहीं है। निकुंज की सखीगण भी तव कथा मृतम तत्व जीवनम कह करके इस गीत का गायन करती हैं, अतः इसका निरंतर निरंतर पिवतो आलयम, मोक्ष की स्थिति में भी आस्वादन प्राप्त करो। आलयम का तात्पर्य है कि मूर्छा की स्थिति में भी इसमें रस समाप्त नहीं है, उस समय भी सखीगणों को, प्रेमीजनों को, श्री प्रियाजी को भीतर ही भीतर उस रस की प्राप्ति होती रहती है। आलयम, मोह रहो रस का भूभाव का,
अरे रसिक जनों, इस रस के मूल आस्वादक तो हैं श्री नित्य परिकर, श्री किशोरी जी, विश्वानंदिनी जी, और हम कैसे आस्वादन करेंगे? बोले भूमि भाव का, मैं किशोरी जी की दासी हूं, इस भाव को, मंजरी भाव को धारण करके इस रस का निरंतर निरंतर आस्वादन प्राप्त कर। ऐसे ग्रंथ की अपूर्वता दिखाई, अब अपूर्वता दिखा करके अब कथा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नई मिशेन मिशे क्षेत्रे ऋष्य शौनकारय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम समासत। नई मिशे अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष जो श्री विष्णु उनका जो क्षेत्र है विष्णु क्षेत्र, श्री नैमिषारण्य, उस नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान हुए। नैमिष इसका नाम इसलिए पड़ा कि एक बार शौनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा के पास में जाकर के प्रश्न किया कि महाराज हमको वो स्थान बताओ जहां हम आनंद पूर्वक निर्विघ्न यज्ञ कर सकें। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने एक मनोमय दिव्य चक्र प्रकट किया और कहा इस चक्र के पीछे पीछे तुम चले जाओ, जहां ये चक्र टूट करके गिरे इसकी नेमी, भीतर का जो हाल है, भीतर ऊपर का हाल, भीतर की जो नेमी है, वो नेमी जहां पर गड़ जाए वो स्थान तुम्हारे उपयुक्त होगा। नैमिषारण्य में जाकर के वो जो चक्र था वो चक्र वहां गड़ गया और उसकी नेमी वह खंडित हो गई, गड़ गई, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नैमिष पड़ा। नेमी जहां पर शीर्ण हो गई ऐसा वो स्थान नैमिष क्षेत्र बना। वहां पर शौनकादिक ऋषियों ने श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। सत्रम स्वर्गायो, स्वर भी देवै गीयते इति स्वर्गायो, जो देवताओं के द्वारा भी जिनका गायन किया जाता है, ऐसे श्री भाई श्री गोलोकनाथ, उन गोलोकनाथ श्री वृंदावन बिहारी, उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया है हजार वर्ष का। वहां पर जितने भी ऋषिगण, उन्होंने अग्निहोत्र पूरा कर लिया है। एकांत में श्री सूति जी को विराजमान देखा, सूत जी से पूछने लगे कि महाराज आपने सारे पुराण इतिहास पढ़े हैं, हम आपसे 6 प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न किया, पुंसाम एकांत तश्रेय, जीव का परम प्रयोजन पदार्थ क्या हो सकता है और उस परम प्रयोजन को प्राप्त करने का श्रेय माने साधन। श्रेय का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ साधन का हमारे सामने वर्णन करो। यहां 2 प्रश्न हो गए, एक प्रयोजन क्या है, प्रयोजन को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो पहला प्रश्न साधन के लिए किया कि सर्वोत्तम प्रयोजन को प्राप्त करने का जो साधन है उसका हमारे सामने वर्णन करें। फिर दूसरा प्रश्न किया कि उपास्य पदार्थों में
अतः साधोत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, संपूर्ण शास्त्र का जो सार तत्व शास्त्रों ने निकाला है उस सार तत्व का अर्थात कृष्ण तत्व का हमारे सामने वर्णन करें। सर्वोत्तम साधन क्या है, सर्वोत्तम उपास्य क्या है, दो प्रश्न हुए। अब तीसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि तस्य कर्माणि उदाहरणि, श्री कृष्ण के जितने भी कर्म हैं उनका हमारे सामने वर्णन करें, अर्थात अन्य अन्य जो सृष्टि आदि लीलाएं हैं उनका हमारे सामने वर्णन करें। फिर चौथा प्रश्न किया कि अथाख्याय हरे धीमन अवतार कथा शोभा, श्री भगवान की अवतार कथा का हमारे सामने वर्णन करें, नृसिंह वराह इत्यादि जो अवतार हैं उनकी कथा का वर्णन करें। फिर पांचवा प्रश्न विशेष रूप से किया कि श्री भगवान ने वसुदेव जी के घर में क्यों जन्म ग्रहण किया और वसुदेव जी का जन्म ग्रहण करके जितनी भी लीलाएं की उनका हमारे सामने वर्णन करें। ये कृष्ण लीला संबंधी पांचवा मुख्य प्रश्न था। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान अपने धाम को चले गए उस समय धर्म किसकी शरण गया, धर्म दो की शरण गया, एक तो श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हुआ ग्रंथ की शरण, और दूसरा श्री गुरु तत्व उनकी शरण गया, गुरु तत्व के द्वारा उस धर्म का प्रकाशन होगा। ये छह प्रश्न मूल किए और इन छह प्रश्नों का विस्तार यथाकाल, ये क्रम से इनका उत्तर नहीं होगा, इनका उत्तर यथा प्रकरण श्री सुखदेव जी प्रदान करेंगे। अधिकांश प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया कि पुंसाम एकांतित श्रेय और शास्त्र का सार क्या है, इन दो प्रश्नों का उत्तर तो विशेष रूप से आगे के अध्याय में दिया है कि हे मुनियों तुमने परम सुंदर प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी के श्री चरणारविंद की वंदना करके हम तुम्हारे सामने अब ये निरूपण कर रहे हैं। तुमने जो पहला प्रश्न किया था कि जीव का परम कल्याण किसके द्वारा होगा, उसका उत्तर दे रहे हैं सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति ही अधोक्षजे, जीव का परम धर्म यही है कि श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है, साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होती है। तो यतः माने साधन भक्ति के द्वारा भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण चरणारविंद में जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो ऐसा साधन जीव को करना चाहिए, यही जीव का सबसे बड़ा परम धर्म है। वो भक्ति कैसी है, अहित की, उस भक्ति का न तो कोई प्रयोजन है न भक्ति का कोई कारण है। भक्ति का प्रेम लक्षणा भक्ति का कारण भक्ति ही और भक्ति का प्रयोजन भी भक्ति ही, भक्ति के लिए ही भक्ति की जाएगी और उसका कारण भी कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण कृपा ही भक्ति ही उनका एकमात्र कारण होकर के विराजमान है। भक्ति के द्वारा भगवान परम परम प्रसन्न होते हैं, वो श्री प्रभु ही परतत्व होकर के विराजमान हैं। वो जो परतत्व है, परतत्व किसे कहेंगे, जो अद्वैय ज्ञान स्वरूप हो उसको, अद्वैय ज्ञान को ही तत्व कहा गया। वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम्, तत्त्वं किम्, बोले यद् ज्ञानम् अद्वयम्, जो अद्वैय पदार्थ है ज्ञान रूप है वही तत्व है, और ऐसा अद्वैय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ही है। अद्वैय का तात्पर्य है कि स्वजातीय विजातीय स्वगत तीनों प्रकार के भेद से शून्य जो पदार्थ है ऐसा पदार्थ अद्वैय ज्ञान तत्व, और जो स्वयं सिद्ध भेद शून्य हो उसको हम तत्व कहेंगे। अर्थात जीव भी उनके भीतर विराजमान, जगत भी उनके भीतर विराजमान, और संपूर्ण जो स्वरूप वैकुंठ है वो वैकुंठ भी उनके भीतर ही विराजमान है। ऐसा जो अद्वैय पदार्थ है
वही तत्व माने आनंद रूप होकर के, ज्ञान रूप होकर के विराजमान, जो ज्ञान है वही आनंद होगा। तो उस अद्वैत ज्ञान तत्व को तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। जहां शक्ति का प्रकाशन नहीं है परंतु सबका आश्रय है वो है ब्रह्म, जहां साक्षी रूपता और सृष्टि पालन संहार ये केवल दो लीलाएं विद्यमान हैं, उसका नाम है परमात्मा। जहां कृपालुता प्रवृत्ति अनंत अनंत लीला विद्यमान है उनका नाम है भगवान। उन भगवान में ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा पश्यन्त्यात्मन चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया, उन भगवान का भक्तगण आत्मनि पश्यन्ति, अपने हृदय में भी साक्षात दर्शन कर लेते हैं। पश्यन्ति का तात्पर्य है कि उसका साक्षात अनुभव करते हुए वे हृदय में विराजमान होते हैं, अपरोक्ष अनुभव करते हुए, भक्ति के द्वारा उनका अपरोक्ष अनुभव हो सकता है, उस भक्ति के द्वारा अपरोक्ष अनुभव करते हुए विराजमान है। जहां किसी पर पदार्थ का केवल चिन्मय मन के द्वारा अनुभव किया जाए उसका नाम है ब्रह्म, चिन्मय चित्त के द्वारा जिसका अनुभव हो उसका नाम है ब्रह्म। परंतु जहां इंद्रियों के द्वारा भी उसका अनुभव हो उसको हम कहेंगे वह परोक्ष अनुभव होकर के विराजमान। तो पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया, भक्ति के द्वारा उसका परिपूर्ण रूप से दर्शन किया जा सकता है। हृदय में किसी चीज को देखना, बुद्धि के द्वारा किसी चीज को देखना वह परोक्ष अनुभव हुआ, बुद्धि बीच में विराजमान है, परंतु जहां उस वस्तु का जिसका विचार किया गया उसका आंखों के द्वारा भी साक्षात अनुभव किया गया, नैनों शरीर के द्वारा भी उसका साक्षात अनुभव किया गया, वह अनुभव अपरोक्ष अनुभव होकर के विराजमान, अपरोक्ष अनुभव की ही प्रधानता है। तो उसको भक्त्या श्रुति गृहीतया, श्रुति गृहित भक्ति के द्वारा भक्तगण उसका दर्शन करते हैं। भक्ति के द्वारा जैसा दर्शन होता है वैसा केवल चित्त में ब्रह्माकारता वृत्ति मात्र से वो जो दर्शन है वो पूर्ण दर्शन नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके दर्शन दो प्रकार से, जहाँ किसी माध्यम से दर्शन किया जाए वो हो गया परोक्ष दर्शन, जहाँ बुद्धि भी माध्यम नहीं रहे, चिन्मय वस्तु ही चिन्मय वस्तु को देखने का माध्यम हो, प्राकृत बुद्धि जहाँ पर माध्यम नहीं हो, उस स्थिति का नाम है अपरोक्ष दर्शन। और उस अपरोक्ष दर्शन को भक्ति के द्वारा जैसा पाया जा सकता है वैसा कोई दूसरे प्रकार से नहीं पाया जा सकता है। माँ के तीन लड़के थे, माँ ने कहा बेटा जाके बाजार में देख के आना आम है कि नहीं। एक लड़का गया उसने आम देखे लौट करके आ गया, दूसरा बच्चा गया उसने आम को उठाया बड़ी खुशबू आ रही थी सूंघ करके आ गया, तीसरा आम खरीद करके लाया ठाकुर जी को सुधार करके अमनिया करके जब भोग लगाए खाए बड़ा स्वाद आया। आम तीनों ने पाया, जिसने आम देखा उसने भी आम पाया, जिसने आम को सूंघा उसने भी पाया, जिसने आम को खाया उसने भी पाया, परंतु पाना पाना एक नहीं है, देखने में और खाने में बड़ा अंतर है। ऐसे ही भक्ति के द्वारा उस पर पदार्थ को परिपूर्ण रूप से पश्यन्ति आत्मन चात्मानं भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही उसको पूरी तरह से देखा जा सकता है। भक्ति कैसे प्राप्त होगी, शुद्ध गृहीतया, भक्ति सर्वदा सर्वदा प्राप्त होगी। शुद्ध गृहीतया माने श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा प्राप्त दीक्षा विधि के द्वारा, श्रवण के द्वारा ही
भक्ति के मार्ग में प्रवेश होगा, दीक्षा के द्वारा कृष्ण नाम श्रवण करके भक्ति में प्रवेश होगा। अतः श्रुत गृहीतया, श्रुत परंपरा के द्वारा ही उस भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए श्री हरि ही श्रवण करने योग्य, कीर्तन करने योग्य और स्मरण करने योग्य होकर के विराजमान है। इनमें कीर्तन भक्ति सबसे ज्यादा प्रधान है, इसलिए उसको बीच में रखा गया। जैसे देहली के ऊपर यदि दिया रख दें देहली के ऊपर, तो बाहर भी प्रकाश होगा भीतर भी प्रकाश होगा, ऐसे ही श्री कीर्तन भक्ति कृष्ण नाम वह सारी भक्तियों को प्रकाशित करने वाले हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधि भक्त पूर्ण नाम हिते है। नौ प्रकार की भक्ति नाम के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त करती हैं। अतः भक्त्या श्रुति गृहीतया, कान से ग्रहण करने वाली भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान ही श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम, श्रवण कीर्तन और स्मरण करने योग्य होकर के विराजमान। तुमने जो प्रश्न किया कि महाराज शास्त्रों का सार क्या है, समुद्धृति मनीषया बुद्धि के द्वारा यत सारम, आपने जो सार निश्चय किया है उसका हमारे सामने वर्णन करो। श्री सूत जी उसी सार का वर्णन कर रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा, संपूर्ण वेदों का अंतिम निष्कर्ष श्री वासुदेव की प्राप्ति ही है। वासुदेव परामखा, यज्ञों का अंतिम निष्कर्ष फिर वासुदेव की प्राप्ति ही है। शुरू शुरू में यज्ञ किए जा रहे हैं सकाम प्राप्त करने के लिए, फिर मन में विचार आता है अरे सकाम कर्मों के द्वारा तो मुझे बंधन की प्राप्ति होगी, यज्ञ का मैं त्याग नहीं करूं, यज्ञ करूं परंतु निष्काम यज्ञ करूं। निष्काम यज्ञ करने पर जैसे ही अहंकार छूटा कि मैं करता नहीं हूं, ठाकुर जो करवा रहे हैं वो कर रहा हूं और इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल की आकांक्षा अभिलाषा छूटी, तो अहमता और ममता, आकांक्षा और अहमता ये दोनों ही जैसे छूटी वैसे ही संसार रूपी विषय से चित्त अपने आप हट जाएगा, संसार छूट जाएगा निष्काम कर्म करने पर भी। और संसार छूटा तो फिर चित्त अपने आप ही अंत में वासुदेव में लगा, तो यज्ञ करने पर भी निष्काम यज्ञ करने पर भी अंत में वासुदेव परा मखा, यज्ञ का परम निष्कर्ष वासुदेव में ही हुआ। जितना भी ज्ञान है उसके द्वारा जो वस्तु विनाशील है उसका त्याग करो, अविनाशी वस्तु को ग्रहण करो, अविनाशी वस्तु में भी रसात्मक जो अविनाशी वस्तु है उसको ग्रहण करो, तो अंत में वासुदेव में ज्ञान की भी अंतिम जो स्थिति है वो श्री वासुदेव में ही उपास्य रूप में होगी। वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम योगम, वासुदेव परा योगा, जितने भी योग हैं उनका भी परम फल वासुदेव ही है, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका भी परम फल वासुदेव ही अंत में होगा। वे श्री प्रभु इस प्रकार परम परम उपास्य होकर के विराजमान। अब तुमने जो तीसरा प्रश्न किया था, एक प्रश्न किया था कि भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करो, उनमें सृष्टि लीला का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं कि जगद्रेहे पौरुषम रूपम भगवान मेहदादिनि, कि भगवान ने सृष्टि करने के लिए पौरुष रूप के द्वारा महत आदि से युक्त होकर के अपने पौरुष रूप को आदर का विषय बनाया। जगद्रेहे का तात्पर्य ये नहीं है कि नया रूप ग्रहण किया, जगद्रेहे का तात्पर्य है कि उन्होंने उस स्वरूप को आदर का विषय बनाया। जैसे ये कहा कि राजा ने शत्रु को जीतने के लिए सेना ग्रहण की, तो कोई सेना की नई भर्ती थोड़ी की, सेना तो उसके पास में बैरक्स में पहले भी थी, उसको उसने आदर का विषय बनाया। राजा ने धनुष ग्रहण किया तो ये थोड़ी है कि धनुष उसके पास में नहीं था, धनुष तो उसकी ही संपत्ति थी परंतु आज आदर का विषय बनाया। ऐसे ही भगवान ने महत तत्व आदि इन सबों को धारण करने वाली
प्रकृति को साथ में, प्रकृति जिनमें विराजमान थी, ऐसे पौरुष रूप को आदर का विषय बनाया। कोई नया पैदा किया हो सो बात नहीं है, वो स्वरूप भी नित्य था। ऐसे सृष्टि लीला का वर्णन किया। फिर एक चौथा प्रश्न किया था कि आप हमारे सामने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करें, उन अवतारों के वर्णन के अंतर्गत श्री संकादिकों श्री सूति जी ने श्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। ये 24 अवतारों का वर्णन केवल एक लिस्ट है, ये इतिहास क्रम नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये अवतार पहले हुआ, ये अवतार बाद में हुआ, ये एक सूची मात्र है। कह रहे सैव प्रथमम देव कौमारम सर्ग माश्रिता प्रथमा, ये जो कहा गया वो प्रथमम देव, ये प्रथमम कालवाची नहीं है, ये केवल संख्यावाची, इसको कालवाची नहीं कहेंगे। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले तो यदि कहीं उत्पन्न हुआ होगा तो मत्स्य अवतार हुआ होगा, पृथ्वी को उखाड़ने लाने के लिए। तो ये केवल संख्यावाची प्रथमम शब्द है, ये कालवाची शब्द नहीं। श्री प्रभु ने मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह नर नारायण कपिल आदि सारे अवतार धारण किए। इनमें 18वां और 19वां जो अवतार है वो 19वें अवतार श्री रामकृष्ण हुए हैं। एकोनविंशो विशतमे रामकृष्ण इति। आगे 22 अवतारों का वर्णन करने के बाद में फिर योगावतार और मन्वंतरावतार उनको एक करके 24 अवतारों का वर्णन किया, उनकी सूची दी। और कह रहे हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनमें कोई अंश अवतार है कोई कला अवतार है, इन अवतारों के अवतारी कौन है? बोले पुंसः गर्भोदशायी श्री प्रद्युम्न नारायण, वे इनके अवतार हैं। एते चांस कला पुंसः, पुंसः माने पुरुष अवतार, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ वे श्री प्रद्युम्न इसके अवतारी हैं। क्यों जी, प्रद्युम्न का भी अवतार कौन है ये प्रश्न उपस्थित हुआ, तो वहां पर भिन्न उपक्रम में तू शब्द का प्रयोग किया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनमें श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। तू का मतलब है यद्यपि कृष्ण की अवतारों के बीच में गिनती की गई परंतु कृष्ण अवतारी नहीं है, अवतार नहीं है, बल्कि वे अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। ये तू भिन्न उपक्रम में दिखाया कि कृष्ण अवतारी होकर के विराजमान हुए। अवतार इसलिए कि उनकी अप्रकट लीला थी, प्रपंच गोचर हुई इसलिए उसको अवतार कह दिया गया, अन्यथा वे अंश नहीं है, वे अंशी ही होकर के विराजमान है। अमिमिश्र विधेयांश दोष से बचने के लिए कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया, फिर कृष्ण की विशेषता बताई गई। जैसे किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पहले प्रयोग किया जाता है, प्रेडिकेट का बाद में प्रयोग किया जाता है, ऐसे कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया और कृष्ण के गुणों को बताने के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग किया। अर्थात भगवत्ता कृष्ण के अधीन है, भगवत्ता के कारण कृष्ण भगवान बने हो ऐसा नहीं, भगवत्ता उनका आश्रय लेकर के विराजमान है। जो गुण हैं शक्तियां हैं वे शक्ति अकेले नहीं रह सकती, जबकि शक्तिमान बिना शक्ति के भी रह सकता है। जो व्याप्य है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता परंतु व्यापक स्वतंत्र रह सकता है। धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता परंतु अग्नि धुएं के बिना भी रह सकती है। सब जगह अग्नि है, पत्र में भी अग्नि है, परंतु पंचमहाभूत से बने हुए हैं तो पत्र में भी अग्नि है, परंतु यहां पर धुआं नहीं है तो अग्नि धुएं के बिना रह सकती है
परंतु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है। ऐसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपनी भगवत्ता शक्तियों का प्रकाशन किए बिना भी तत्व रूप में रह सकते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का प्रकाशन बिना भगवान के कभी भी नहीं रह सकता। शक्ति शक्तिमान के अधीन है, शक्तिमान शक्ति के बिना भी, शक्तियों को आत्मसात किए हुए भी, बिना प्रकट किए हुए भी रह सकता है। इसलिए कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया, भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया गया। जैसे कोई ये कहे कि ये विद्वान बड़े है, ये ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं, ये कहना ही उचित है। ये कहा जाए कि ये विद्वान ब्राह्मण है, ये उचित नहीं। जो वस्तु सामने दिख रही है उसका वर्णन पहले किया जाएगा। शिखा सूत्र के द्वारा दिख रहा है कि ये ब्राह्मण है, उसकी विद्वत्ता जब वो बोलेगा तब पता लगेगी। इसलिए जो चीज ज्ञात है, सामने प्रकट है, उसको पहले कहा जाएगा। ये राजा बड़ा वीर है, राजा सामने दिख रहा है अपने किरीट मुकुट, अपने राजदंड के द्वारा, तो उसको कह दिया जाएगा राजा। राजा शब्द का पहले प्रयोग किया जाएगा। अब उसकी वीरता जब सामने प्रकट होगी तब बाद में होती है कि नहीं होती है वो बाद में वर्णन की जाएगी। ऐसे ही कृष्ण सामने दिख रहे हैं और उनकी भगवत्ता, उनका एक गुण है, तो जिस जो ज्ञात पदार्थ है जिसका वर्णन किया उसका वर्णन पहले किया, और फिर बाद में अज्ञात पदार्थ उनका वर्णन किया गया। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये कहा। ये भगवान के अवतार चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्री श्रीमद् भागवती संहिता, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये श्रीमद् भागवत ब्रह्म संहितम वेद रूप होकर के, वेद तुल्य होकर के विराजमान है। वेद की महिमा वह श्रीमद् भागवत की महिमा में अपने आप समाहित हो जाएगी। जैसे कोई ये कहे कि ये शुद्ध 24 कैरेट का गहना है, गहने की स्वर्ण की जो महिमा बताई गई वह कहीं गहने की महिमा में परिणत हो रही है। ऐसे ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये कहा गया, और ये कहा गया कि श्रीमद् भागवत वेद रूप हैं, तो वेद की जितनी भी महिमा है वो भागवत की महिमा को बढ़ाने में सहायक होकर के विराजमान हो गई। इसलिए ये श्रीमद् भागवती संहिता वेद सम्मत, वेद रूप होकर के विराजमान। जैसे सोने का मूल्य गहने के मूल्य में को बढ़ाने वाला है, इसी प्रकार श्री वेद की महिमा श्रीमद् भागवत की महिमा को बढ़ाने वाली होकर के ही विराजमान हुई। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये वेद स्वरूप होकर के चिन्मय श्रीमद् भागवती संहिता है। इसको श्री परीक्षित महाराज ने शुकदेव जी से सुना, शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। ये सुनते ही बोले महाराज, श्री परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण कथा क्यों सुनी और शुकदेव जी ने कृष्ण कथा क्यों कही? मैंने ये सुना है कि जिस समय श्री शुकदेव जी का जन्म हुआ, जन्म ग्रहण करते ही पहले तो जन्म ही नहीं ग्रहण कर रहे थे महाशय जी, माँ के गर्भ में बीटका जी के गर्भ में विराजमान हैं और जन्म ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वेदव्यास जी कृष्ण के पास में आए, बोले महाराज बालक तो जन्म ही ग्रहण नहीं कर रहा है। मुझे घेर लेगी। श्री कृष्ण ने उस समय कहा, घबराओ मत, मैं साक्षी दे रहा हूं कि मेरी कृपा से
तुमको मेरी माया कभी भी घेरने वाली नहीं होगी। ऐसे जिस समय कहा, बोले ठीक है, कृष्ण की कृपा के द्वारा माया की निवृत्ति हो गई। अब जब माया की निवृत्ति हुई तो माया की निवृत्ति होने पर सुखदेव जी तो जन्म ग्रहण करते ही वन में उस समय चल दिए, और जैसे ही वन में चले उस समय वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए इनके पीछे पीछे चले। आगे देवांगनाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी जा रहे थे उनको देख करके जरा भी झिझकी नहीं, आनंद से स्नान करती रही। परंतु पीछे से वेदव्यास जी जो आए उनको देख करके देवांगनाओं ने तुरंत ही वस्त्र धारण कर लिए। वेदव्यास जी तो झिझक गए और बोले अरे देवांगनाओं बड़ी ढीठ हो, जिसकी नई अवस्था उस सुखदेव को देख करके तुम झिझकी भी नहीं और मुझ बूढ़े को देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिए। सारी देवांगना बोली महाराज अपराध क्षमा हो, आपको ये विचार तो भी है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, आपके पुत्र तो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखने वाले हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण कथा क्यों सुनी ये एक बड़े आश्चर्य की बात है, इसका आप हमारे सामने वर्णन करें। और श्री शौनकालिक ऋषि पूछ रहे हैं, बोले माया जिसका जरा सा काम चल रहा हो उस व्यक्ति को फुर्सत नहीं मिलती है किसी से बात करने की। परीक्षित महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती राजा, उनने कैसे तुरंत ही सारे राज्य का त्याग कर दिया, इसका आप हमारे सामने वर्णन करें। श्री सूत जी कह रहे हैं तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याय जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। बोले जिस समय द्वापर का युग आया, प्रत्येक युग के चार भाग होते हैं, एक युग के भी चार हिस्से, और ये चार हिस्से, इन चार हिस्सों में भी प्रत्येक हिस्से में एक एक युग फिर तीन तीन बार आता है, चार चार बार आता है। तो तृतीय युग पर ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनका जब तीसरा पर्याय आया था, तीसरा चक्कर आया था, उस तीसरे चक्कर के व्यतीत हो जाने पर जब अंतिम चक्कर आया, उस अंतिम चक्कर में अंतिम द्वापर के समय तृतीय युग पर्याय, तीन युग पर्याय बीत गए हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तीन बार को उस द्वापर के भीतर ही बीत गए हैं, चौथा जब पर्याय आया, उस चौथे पर्याय में जब अंतिम द्वापर का युग आया, उस द्वापर के युग में जातक पराशराद योगी पराशर ऋषि से श्री वेदव्यास जी उत्पन्न हुए। श्री वेदव्यास जी कभी एकांत में विराजमान है, सामने सूर्योदय हो रहा है, प्रातःकाल का समय है, जीवों की दयनीय दशा का इन्होंने जब दर्शन किया, उस समय श्री वेदव्यास जी ने वेदों के चार विभाग किए जीवों का कल्याण करने के लिए, चातुर्होत्र के लिए, होता अध्वर्यु उद्गात्री और ब्रह्मा, इन चारों के लिए चार वेदों के विभाग किए और चार शिष्यों को उन वेदों को पढ़ाया। फिर वेद के तत्व को प्रतिपादित करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा जिसके द्वारा प्राप्त हो सके उसके लिए उन्होंने 18 पुराणों को प्रकट किया। उन पुराणों के सार को भी श्री महाभारत में प्रतिपादन किया। जो महाभारत में है वो ही सर्वत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं। इसलिए सारे पुराणों का साथ महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। फिर सब वेद, 18 पुराण और महाभारत, इनके सार को स्थापित करके श्री वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, और ब्रह्म सूत्रों की रचना करके
संपूर्ण वेदांत को स्थापित किया। अंत में जो प्रतिपाद्य पदार्थ है उसका उन्होंने निरूपण किया। ऐसे उपनिषदों का ब्रह्मसूत्रों का रचना कर दी, परंतु ब्रह्मसूत्रों की रचना करके भी वेद व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। मन में विचार कर रहे हैं कि क्या मैंने भागवत धर्मों का निरूपण नहीं किया है क्या। ऐसे जहां विचार आया, जो कसर है इस ओर है उस ओर नहीं है, आकाश मार्ग से वीणा बजावत हरिगुण गावत प्रेम सरसावत देवर्षि श्री नारद जी उस समय वेद व्यास जी के आश्रम में पधारे। बोलो श्री नारद महाराज की जय। गुरु जी को आया हुआ देख करके वेद व्यास जी ने तुरंत ही चौकी बिछा दी है, आसन बिछा दिया। श्री नारद जी चौकी के ऊपर विराजमान हुए, अपनी वीणा को गोदी में रख करके बैठे हैं। नारद जी का वेद व्यास जी पूजन कर रहे हैं, नारद जी वेद व्यास जी का मुख दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋषिवर चेहरा बड़ा चिंतातुर दिख रहा है, मन में कोई उधेड़ बुन है क्या। श्री वेद व्यास जी बोले, बोले महाराज आपने ठीक पहचाना, अपनी कसर स्वयं पता नहीं लगती है, दूसरा कोई बताता है तभी पता लगती है, हम में कहां कसर रह गई है ये आप बताओ। नारद जी बोले हम जानते हैं तुमने कहां कमी है। तुमने जैसे वर्ण आश्रम धर्मों का वर्णन किया, इस प्रकार तुमने भागवत धर्मों का वर्णन नहीं किया है। परम सुंदर सारे गुण हुए, परंतु उसमें यदि कृष्ण लीला का गायन नहीं है तो वो सारा का सारा वर्णन व्यर्थ है। देखो श्री सारे शास्त्र सारे वेद वासुदेव परायण होकर के ही विराजमान है। नयद बचह चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगुणीत करहिचित तद्बाय सम तीर्थ मुशंत मानसाहा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। बोले बड़ी सुंदर पद रचना हुई जिसमें विशिष्टा पद रीति विराजमान है, जिसमें वैदग्ध भंगी भणति रूप अपूर्व वक्रोक्ति विराजमान है, जिसमें रस एवात्र जीवतम के रूप में रस विराजमान है, राजशेखर कहता है, जिसमें ध्वन्यालोकार कहते हैं, मम्मट कहते हैं कि एकदम उत्तमम अक्षयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुधि कथिता, उत्तम ध्वनि उसमें विराजमान है, जिसमें क्षेमिंद्र जैसे विद्वान कहते हैं कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है, परंतु यदि उसमें कृष्ण कथा नहीं है, भगवत लीला नहीं है, तो उसको तद्बाय संतीर्थ मुशंत मानसा, जो विद्वान जन है वे कोय का तीर्थ कहेंगे, वह तो घूरा है, कूड़ा पटकने की जगह। पंत किसी ने टूटी फूटी वाक्य रचना कर दी, उसमें तुक मिली है कि नहीं मिली है, उसको भी श्रीमंत गायंत ग्रंथ साधवा साधुगण सुनते हैं गाते हैं बड़ा करके मानते हैं। ये कृष्ण कथा की अपूर्व विशेषता विराजमान है। देखो नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम। जब निष्काम कर्म करके भगवान को समर्पित कर दिए जाएंगे तब चित्त शुद्ध होगा, ऐसे शुद्ध चित्त में ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए ज्ञान का एक विशेषण है नैष्कर्म्यम, निष्कर्म भक्ति योग, निष्कर्म निष्काम कर्म योग से जो उत्पन्न होता है उसका नाम है नैष्कर्म्यम, ज्ञान का विशेषण है। पहले निष्काम कर्म करो तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा ज्ञान प्राप्त भी होगा, परंतु यदि उस ज्ञान को प्राप्त करके भक्ति योग नहीं किया गया तो भक्ति योग के बिना फिर से माया आकर के
घेर लेगी। चार प्रकार के साधक हैं, एक हैं ज्ञानी मन, दूसरे हैं ज्ञानी, तीसरे हैं मुक्तम मन, चौथे हैं मुक्त। ज्ञानी मन कौन? बोले जिन्होंने भक्ति को अपनाया नहीं, भगवत स्वरूप को माया समझ करके जो उस स्वरूप की अभिन्ना कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि संसद विवेक के द्वारा हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अपनी उपाधि को दूर कर लेंगे, विज्ञानी मन हैं, उनका अज्ञान कभी भी दूर होगा नहीं, अभिमान उनमें आ जाएगा और विवेक से वे रहित हो जाएंगे क्योंकि भगवत स्वरूप को उन्होंने मायक करके माना। परंतु जो भगवत स्वरूप को मायक करके नहीं मान रहे हैं, हरि नाम को चिन्मय करके मान रहे हैं और ज्ञान को सात्विक करके मान रहे हैं, तब चिन्मय भक्ति के द्वारा सात्विक गुणात्मक जो ज्ञान है उस ज्ञान की निवृत्ति होगी और अज्ञान की भी निवृत्ति होगी। चिन्मय वस्तु ही अज्ञानी वस्तु को दूर करेगी और वह ज्ञान को भी दूर करेगी, तो वे हुए ज्ञानी। तीसरे हैं मुक्तम मन, विवेक के आधार पर जो ये मान करके बैठे अजी हम तो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हैं, परंतु वे तत्वतः मुक्त नहीं हैं क्योंकि भगवत स्वरूप को वे प्राकृत करके मान रहे हैं। आर अपराध नहीं यहाँ ऊपर प्राकृत कौरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु कलेवर को ये प्राकृत करके मान रहे हैं तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा अपराध नहीं होगा। ऐसे जो ज्ञानी मन हैं बड़े कठिन में तो वे अपने आप को मुक्तम मन की स्थिति में पहुंचे, परंतु क्योंकि वे भगवत स्वरूप की अवहेलना कर रहे हैं, भगवत स्वरूप को उपाधि और मायक करके मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में श्री भक्ति महारानी उनसे रूठ जाती है। जब तक भक्ति रही तब तक उनमें मुक्तम मन्यता आई, भक्ति जैसे ही दूर हुई फिर से वे नीचे अधपतन हो जाता है। परंतु जो भगवान के स्वरूप को चिन्मय करके मान रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा संसार को पहचाना तो जा सकता है परंतु संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है, संसार को दूर करने के लिए नाम का ही आश्रय एक ज्ञानी को भी लेना पड़ेगा, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे ही अंत में मुक्त होकर के विराजमान होते हैं। यहां पर श्री नारद जी यही कह रहे हैं कि वेदव्यास जी देखो नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम, किसी ने निष्काम कर्म करते हुए भी यदि ज्ञान प्राप्त किया परंतु यदि उसका ज्ञान अच्युत भाव वर्जित है, भगवत भक्ति से रहित है, तो भक्ति जैसे ही हटेगी वैसे ज्ञान भी डगमगा जाएगा और माया की एक लपेट आएगी, उस एक लहर में उसने जो कुछ भी अभी तक का ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े योगियों का, एक मेन का, एक उर्वशी, एक रंभा की एक मुस्कान पर दिखते हुए देखा गया वह समाप्त हो जाता है। तो नशो होते ज्ञानम अलम निरंजनम, ज्ञान भी समर्थ नहीं है, निरंजन निष्काम जो ज्ञान है वह भी टिकेगा नहीं। फिर बेचारे कर्म का तो कहना ही क्या, वह तो सर्वथा भले अकारण है, उसमें फल नहीं चाहा गया है, परंतु यदि भक्ति से रहित है तो वह तो सर्वथा अभद्रम, अभद्र ही कर्म कांड तो सर्वदा अभद्र को ही प्रदान करने वाला है। वेदव्यास जी यदि भक्ति का किसी ने आश्रय ग्रहण किया और उसका बीच में भजन में पतन भी हो जाए, भजन उसका बीच में बाधित भी हो जाए, तो व्यवधान उद्वेग और भोग इन तीन चीज के आ जाने पर भी उसका भजन रुकेगा नहीं, वह बढ़ेगा। श्री बल्लभाचार्य चरण
सेवा फलम में निरूपण कर रहे हैं कि कभी कभी ठाकुर भक्ति की इच्छा को, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए उसके भजन में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। जैसे प्रियव्रत महाराज अच्छा खासा भजन कर रहे थे और स्वयं मनु ने आकर के उनको बुला लिया और उनको राज्य ग्रहण करना पड़ा। कभी कभी उद्वेग प्राप्त हो जाता है बीच में, शरीर बीमार हो गया, क्या करें अब, कैसे भजन होगा, नियम रक्षा नहीं हो रही है, तो ये हो गया उद्वेग, व्यवधान उद्वेग। फिर कभी कभी भोग, ठाकुर की कृपा से भोग प्राप्त हो जाते हैं, पंत भक्तगण उन भोग को भी स्वीकार नहीं करते हैं। श्री ध्रुव जी को राज्य प्राप्त हुआ, परंतु राज्य प्राप्त करने पर भी फिर अंत में राज्य का त्याग करके वन में गए, वन में जाकर के भगवत भजन किया। श्री प्रियव्रत राज्य का त्याग करके वन में पधारे। परीक्षित महाराज उद्वेग प्राप्त होने पर कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर से राज्य त्याग करके, भोग का त्याग करके पधारे। तो कृष्ण कृपा से प्राप्त होने वाला व्यवधान, उद्वेग और भोग, ये तीनों वस्तुएं भजन को बढ़ाने वाला होता है। परंतु यदि भगवत भक्ति नहीं है तो ये तीनों वस्तुएं आकर के साधक को कहीं फंसा देंगी। इसलिए कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वोथ पते ततो। यदि यदि कोई स्वधर्म का त्याग करके भजन मार्ग में प्रवृत्त हुआ और बीच में ही उसका शरीर गिर भी गया, तब भी उसका कोई अधपतन नहीं होता है। और किसी ने यदि केवल स्वधर्म का पालन किया, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया और भगवत भक्ति नहीं की, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको को वार्थ आपको अभजताम स्वधर्मता, उसे अपने धर्म का पालन करने से कौन सा तीर मार लेगा, कौन सा अर्थ उसको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कर्म कांड करने पर फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भगवत भजन करने पर ही ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उससे भी बढ़कर के भगवत भक्त को कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए अभजताम स्वधर्मता, जो कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं उनको स्वधर्म पालन करने से कुछ हाथ पलने लगने वाला नहीं है, जबकि भगवत भजन करने वालों को यदि वे अधपतन भी हो जाए, उनके भजन में कहीं व्यवधान, उद्वेग और भोग ये आ जाए, भजन में बाधा भी पड़ जाए, तब भी उनका भजन कम नहीं होता है। पूर्व जन्म की अपेक्षा उत्तर जन्मों में उनका भजन और ज्यादा बढ़ता है। जैसे श्री वृत्रासुर का भजन पूर्व जन्म की अपेक्षा उत्तर जन्म में और ज्यादा बढ़ा, जैसे श्री गजेंद्र का भजन पूर्व जन्म की अपेक्षा उत्तर जन्म में हाथी की योनि में उनकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ी, जैसे उपरिचर वसु उनका भजन दोबारा जब वे असुर होकर के विराजमान हुए उस समय उनका भजन और अधिक बढ़ा। तो उत्तर जन्मों में भजन की निरंतर निरंतर वृद्धि ही होती है, वो भजन घटता नहीं है। तो को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, जो भजन नहीं करने वाले हैं उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं और भजन करने वालों का कभी भी अधपतन नहीं होता है। दिखता है अधपतन, परंतु वह अधपतन भी उनका कृपा होकर के विराजमान, उनको भजन को बढ़ाने वाला होकर के ही विराजमान। इसलिए अभिच्युतोर्थक कवि भी निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम। सबसे ज्यादा सफल लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला साधन एक ही है, अभिच्युत अर्थ, जिसमें कभी अधपतन हो ही नहीं, ऐसा कोई साधन है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। तो अभिच्युत अर्थः माने सफल लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो यही है। कभी भी निरूपिता विद्वानों ने इसका निरूपण किया कि यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, श्री कृष्ण के गुणों का निरंतर निरंतर वर्णन किया जाए। अब भक्ति के द्वारा परम फल की प्राप्ति होती है, इसके लिए मेरे पास में पुराणों में अनेक अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं, परंतु उन दृष्टांतों को दूंगा तो तुम ये कहोगे सुनी सुनाई बात कह रहे हो जी, तुमने क्या अनुभव किया, अपना अनुभव बताओ। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव ही तुमको बता रहा हूं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ। मेरी माँ जहां तहां चौका बर्तन करके किसी तरह से अपने उधर का पालन करे, मेरा पालन करे। हमारे गांव में कुछ संत आए, आते ही वहां पर तो चार भगत जाने कहां से इकट्ठे हो गए, किसी ने घी के पीपा भेज दिए, किसी ने चीनी की बोरी भेज दी, किसी ने सूजी भेज दी, किसी ने बेसन भेज दिया, और वहां पर तो मोहन भोग घुटने लगा। मेरी मैया ने विचार किया कि महात्माओं की ठाठ है, आए देर नहीं हुई और यहाँ तो देशी घी गल रहा है, हम तो किसी तरह से कड़वे तेल में अपना काम चला है, थोड़ा बहुत छोंक छाक लगा करके, और यहाँ पर तो देशी घी गल रहा है। मुझे भोजन के लोभ में मैया ने वहां नियुक्त कर दिया, परंतु मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं कि इन संतों का एक क्षण भी कृष्ण सेवा के बिना नहीं है। जहां केवल रति अंकुर मात्र उत्पन्न हुआ है, उसमें ही क्षांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्थित गुणाक्षाने, प्रीति स्थित बसत स्थले इत्यादि उन भावास्य हूं। ये सारे लक्षण, अभी तो प्रेम बहुत दूर है, रति का अंकुर मात्र उत्पन्न हुआ है, उस समय ही रुचि मात्र में, रुचि मात्र की स्थिति में ये सारे लक्षण संतों में दिखे, तो मैं और भी श्रद्धा के साथ में गुरु जी की सेवा कर रहा हूं। गुरु जी की सेवा करते हुए कुछ समय रहा, मुझे अधिकारी जान करके उन देवी चक्र कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, संत तुल्यदर्शी हैं, परंतु यदि किसी में सेवा की प्रवृत्ति देखते हैं तो उसके ऊपर जल्दी से कृपा हो जाती है, ज्यादा कृपा हो जाती है। इससे संत कृपा यदि प्राप्त करनी है तो थोड़ी सी सेवा करने की रुचि दिखानी चाहिए, उसे संत को ये पता लग जाता है अरे ये ठाकुर की सेवा करना चाहता है, भजन करना चाहता है, अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, तो बुझे बात को भी कह देंगे। पर यदि अभिमान के साथ में रहेगा, सेवा करने की रुचि नहीं है, तो साधु भी फिर उसके साथ में ज्यादा चर्चा नहीं करेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। तो यद्यपि तुल्यदर्शी हैं, फिर भी साधुओं ने मेरे ऊपर विशेष रूप से कृपा की। एक दिन संत महाप्रसाद प्राप्त करके से प्रसाद सेवा करके उठे, मेरे हृदय में तो बड़ी महिमा प्रसाद की मैंने सुनी, सो मैंने संत के चरण पकड़ लिए और गुरुजनों से कहा यदि आपका आदेश हो तो इसमें से एक कण का शीत प्रसाद मैं ले लूं। मुझे अधिकारी जान करके उन्होंने अनुमति प्रदान की। वेदव्यास जी, तुम्हारी सौगंध खा करके कह रहा हूं, जैसे ही मैंने एक कण का अपनी जीव के ऊपर रखी, मेरे तो हृदय के सारे कषाय दूर हो गए हैं। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजई, उच्छिष्ट लेप मात्र, लेश मात्र, उसको मैंने जो खाया उन ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित होकर के, सकृष्म भुंजे तद अपास्य किल विषा, मेरा हृदय एकदम निर्मल हो गया। श्री महाप्रसाद की महिमा ही ऐसी, भक्त पद रज और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, इतनी महाबल, ये केवल बल नहीं है, महाबल होकर के ये विराजमान।
अब तो निरंतर श्री गुरु प्रसाद ग्रहण करते हुए ही मैं विराजमान हूं। तत्रांग हम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणाश्रवम मनोहरा, और उस समय मेरे हृदय में फिर रुचि उत्पन्न हुई। जात रुचि, रुचि उत्पन्न होकर के भजन क्रिया हुई और भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति हुई, तब नैष्ठिक भजन उत्पन्न हुआ। चौदह भजन की सोपान है, निष्ठा के पहले सात सोपान, निष्ठा के बाद में श्री नरोत्तम ठाकुर वर्णन कर रहे हैं सात सोपान, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले होता है साधु संघ, फिर नंबर दो साधु सेवा, फिर साधु सेवा करने की प्रवृत्ति होने पर तीसरा सोपान है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में पुनः साधु संघ, फिर पुनः साधु संघ करके पांचवी एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं भजन रुचि। अब रुचिपूर्वक भजन हुआ तो रुचिपूर्वक भजन होने पर भजन क्रिया, छठी स्थिति हुई भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद में फिर सातवीं स्थिति हुई, वह हुई अनर्थ निवृत्ति। ये सात स्थिति तो हुई नीचे की, फिर जाकर के निष्ठा उत्पन्न हुई, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, प्रेम के बाद में फिर दो स्थिति और उत्पन्न हुई, कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्यास्वाद। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने चौदह माने, जीव गोस्वामी जी ने नौ का वर्णन किया, आरोप श्रद्धा तत्व साध संगो तत्व तो भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति तत्व निष्ठा तत्व रुचि अथाशक्ति तत्व भाव तत्व प्रेमाभ्युदन चेती। किसी ने नौ मानी परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने पांच और जोड़ दी, श्रद्धा के पहले दो, प्रेम के बाद में दो, और भजन क्रिया के पहले भजन रुचि, ये पांच और जोड़ दिए, तो नौ में पांच जोड़ करके चौदह, ये जो सोपान नारद जी उसी चौदह सोपानों का क्रमशः यहां पर वर्णन कर रहे हैं। निष्ठा मुझ में उत्पन्न हुई, निष्ठा किसका नाम, बोले अपने भजन में अविचल स्थिति, उसका नाम निष्ठा है। तो तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणाश्रवम मनोहरा, मैं निष्ठा धारण करके कृष्ण कथा को सुनूं, जिस समय कृष्ण कथा कहने के लिए बैठूं और यदि मैं सोहनी लगा रहा हूं, कृष्ण कथा हो रही हो, संत कह रहे ए खड़खड़ मत कर बेटा, तू भी बैठ जा, बाद में लगाना सोहनी, तो अनुग्रहेणाश्रवम, उनके अनुग्रह से मैंने कृष्ण कथा सुनी जो कान में अच्छी लग रही है, और उन कृष्ण कथा को सुन करके तब ममा भवद रुचि, मुझ में रुचि नाम करके जो स्थिति है, अब मुख्य रुचि वो उत्पन्न हुई। पहले भजन क्रिया के पहले एक रुचि और हो गई थी, अब ये मुख्य रुचि उत्पन्न हुई, तब आसक्ति भाव प्रेम इनका जन्म हुआ है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचि विश्चित्र मासन्य कृत सौ भाव उच्चते, सूर्योदय के पहले जैसे पौ फटती है इसी प्रकार प्रेम के उदय के पहले भाव नामक स्थिति मुझ में प्राप्त हुई, और उस भाव स्थिति के बाद में फिर प्रेम दशा का मुझ में जन्म हुआ। जो विशुद्ध रूप से शुद्ध सत्वात्मक होकर के जो विराजमान, वो प्रेम का मुझ में जन्म हुआ है, उनको प्राप्त करके मैं विराजमान हुआ हूं, तो मुझ में भाव और प्रेम ये उत्पन्न हुए। तब ये मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब गुरु जी जब जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज मैं भी आपके संग में बाबा जी बनूंगा। मेरे गुरु जी ने कहा कि ना बेटा, अभी नहीं, अभी तेरा भजन वैराग्य पूरा इतना दृढ़ नहीं है और तेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है, इसलिए अभी नहीं, बाबा जी बनने से कुछ नहीं होगा, चार निष्ठाओं को अपने हृदय में पक्का करो,
तब जाकर के लाभ होगा, चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थी, जिसने चार निष्ठाओं को पाला उसे कृष्ण प्राप्त होगी, अन्यथा कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेश मात्र से कोई कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकता। पहली निष्ठा स्वरूप निष्ठा, दूसरी निष्ठा श्री हरिनाम निष्ठा, तीसरी निष्ठा श्री गुरु निष्ठा, और चौथी निष्ठा धाम निष्ठा। चाहे घर में रहकर के चार निष्ठा करो, स्वरूप, नाम, गुरु और धाम, इन चार की निष्ठाएं चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, चार निष्ठा हैं तो बाबा जी को भी भगवान मिलेंगे, और नहीं है तो वो भी गृहस्थी जैसा ही बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए अभी चार निष्ठाओं को पक्का करो, अभी बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। बोले फिर आपकी याद आएगी मुझे, आपके बिना बताने वाला कौन है? बोले अनेक संतगण हैं, और यदि संतगण भी नहीं मिले तो तुमको एक पुस्तक दे जाते हैं हम, उसके हिसाब से तुम निर्णय करना। तो ज्ञानम गुह्यतम यत्तत् साक्षात भगवतो दितम, जिस गुह्यतम ज्ञान को साक्षात श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा था, उस श्रीमद् भागवती संहिता को एक आदर्श पुस्तक के रूप में, आदर्श दिशा निर्देशक के रूप में, मुझे कुतुब नुमा के रूप में मुझे दिए, कि जो भागवत के अनुकूल हो उसको करना, और जो भागवत के प्रतिकूल हो, चाहे ब्रह्मा भी आकर के उतर करके कहें तब भी उसको मत करना, क्योंकि आगे बड़ा कठिन समय भी आने वाला है, उसमें बहुत से नकली भगवान घूमेंगे और वे मनचाहा मनमुखी उपासना पद्धति बताएंगे। इससे उनसे बचने का उपाय यही है कि श्रीमद् भागवत को आधार बना करके चलना, जो भागवत के अनुकूल यदि संत के वचन हैं तो उनको मानना, भागवत के प्रतिकूल हैं तो उस मनमुखी उपासना को मत मानना, मत मानना। ऐसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जिससे मैं कहा है, श्री नारद जी चुप हो गए। बोले महाराज औषधि लेकर के आए परंतु पथ्य नहीं किया तो फिर औषधि फल नहीं देगी। श्री गुरुदेव ने आपको जो मार्ग बताया उसके द्वारा आपने सिद्धि कैसे प्राप्त की, निज अनुभव का हमारे सामने वर्णन करें। उस समय श्री नारद जी बोले कि व्यास तैने बिल्कुल सही कहा, देख अभी तक मैं बात छिपा रहा था, निज अनुभव छिपाने की वस्तु है, छपाने की वस्तु नहीं है। गुरु जी अपने मुख से अपने अनुभव को कभी नहीं कहते हैं, परंतु उनके शिष्य कभी उनके मुख से जो निकल जाता है उसके आधार पर फिर उनकी महिमा का गायन करते हैं। गुरु जी के चले जाने पर मेरी माँ, उनका मैं अकेला ही पुत्र, अब मुझे माँ के पास में बैठना अच्छा नहीं लगे। मेरी माँ कहे कि बेटा बाबाजियों के साथ में सदा रहता है, क्या बाबाजी बनेगा क्या? मुझे मैया की एक बात अच्छी नहीं लगे। प्रभु से मन ही मन में प्रार्थना करूं कि प्रभु आपने मेरे सारे बंधन दूर किए, एक मैया का पुंछरा पीछे क्यों लगा दिया है? एक दिन की बात, मेरी मैया गाय दोहने के लिए गई, बरसात के दिन झुटपुटा हो रहा था, मैया ने देहरी के ऊपर जो पैर रखा वहां बैठा हुआ था कारियल, उसने मैया को चट्ट दसा, मैया पट्ट लुढ़क गई। कोई और होता हाय मैया कहकर के रोता, मैं तो दोनों हाथ ऊंचे करके आनंद पूर्वक हरि बोल कहकर के नाचा। मैंने मैया का संस्कार किया और सारे बंधनों से निवृत्त होकर के, जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के, उस समय माँ की अनुमति अब लेने की जरूरत ही नहीं थी, माँ समाप्त हो गई, मैं वन में पधारा। उस समय भजन कर रहा हूँ, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के भजन करूँ, मुझे ऐसा लगा भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, हृदय में ध्यान कर रहा हूँ, और वही हृदय का दर्शन आँखों के सामने साक्षात हुआ है, साक्षात्कार का अपना आनंद।
उस साक्षात्कार को प्राप्त करके परम आनंद की मुझे प्राप्ति हुई, परंतु वो एक क्षण में वह स्वरूप दूर हो गया, मैं तो व्याकुल हो गया हूं। और उस समय वीक्ष माणोप नापश्यम अवितृप्त इवातोरा, जब चारों ओर देख रहा हूं कि वो रूप कहाँ गया, भगवान का रूप जब नहीं देख पाया, उस समय मैं व्याकुल हो गया हूं। आकाशवाणी हुई है कि अरे बालक, यदि तू अभिपक्व कषाय होता तो तुझे मेरा दर्शन नहीं होता। इस समय प्रेम की दशा में मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए, भाव की दशा में स्वप्न में भगवत दर्शन, परंतु प्रेम की दशा में साक्षात्कार भी होता है। और जिनको साक्षात्कार कृष्ण का हो गया, ऐसे जनों को सिद्ध बाबा कहा जाता है, तुझे साक्षात दर्शन हुआ, तू सिद्ध हुआ, परंतु तुझे मैंने दर्शन दे करके अपने रूप को छिपाया है, इसलिए कि तेरी मुझ में ही निरंतर निरंतर अनुवृत्ति लगे। गंता मत जगत जनता मसी, घबरा मत, घबराए मत, तू मेरे परकर के बीच में अवस्थित होगा। और इस बात को सुन करके मुकुंद दत्त की तरह से श्री नारद जी तो नाचने लगे कि होगा होगा होगा। श्री महाप्रभु, आप कभी श्री नवद्वीप में सप्त प्रहरिया कीर्तन में महाभाव महाप्रभु में प्रकट हुआ और एक एक का नाम लेकर के बुला रहे हैं, कहाँ है वो, आकर के मेरा पूजन करे, वो कहाँ है, आए मुझसे आशीर्वाद ग्रहण करे। और श्री मुकुंद दत्त महाप्रभु के पुराने सहपाठी हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं। मुकुंद दत्त भी द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि शायद अब मेरा नंबर आए, अब मेरा नंबर आ जाए, परंतु महाप्रभु ने मुकुंद का नाम नहीं लिया, सबको बुला रहे हैं। और श्री मुकुंद पूछ रहे हैं, बोले मैं मेरे ऊपर कब कृपा होगी, बाहर से संदेश भिजवा करके। श्री श्रीवास पंडित ने पूछा, बोले महाराज मुकुंद आपके परम मित्र हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं होगी, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान एकदम बेरुखी दिखाते हुए बोले, बोले ना मुकुंद पर अभी कृपा नहीं होगी, मुकुंद बाहर से ही पूछ रहे हैं, तुम्हारे फिर कब होगी। महाप्रभु कह रहे हैं 100 जन्म के बाद में होगी। मुकुंद तो नाचने लगे, होगी होगी होगी, इस बात की चिंता नहीं है कि 100 जन्म के बाद में, प्रभु ने कहा है मेरे ऊपर कृपा होगी, इस बात पर नाचने लगे। भगवान बोले बुला लो मुकुंद को, होगी कृपा, उत्तरंत ही कृपा करके प्रेम भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। तो ऐसे ही गंता मत जनता मसी, तू मेरे परकर के बीच में उपस्थित होगा, मेरे परकर में तेरी भी गिनती होगी। इस बात को सुनकर के नारद जी कह रहे हैं मैं तो नाचने लगा उस समय। और उस प्रेम का आस्वादन करते करते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुर्य कादंबनी में 6 मूर्छा दशाओं का वर्णन किया। वो 6 मूर्छा दशाएं इनको प्राप्त हुई। सबसे पहले श्याम सुंदर के शब्द वेणुनाद को सुन रहे हैं, मूर्छा आ गई, सो इस श्याम सुंदर ने पीठ के ऊपर हाथ रखा, धैर्य दिया, स्पर्श प्राप्त किया, स्पर्श के आनंद से दोबारा मूर्छा आ गई, मूर्छा दूर हुई, तब रूप दर्शन दिया, फिर दर्शन करके आनंद में 3री मूर्छा आ गई। तब श्री श्याम सुंदर की ने अपना अर्धचर्वित तांबूल इनको प्रदान किया, रस का आस्वादन करके फिर से 4री मूर्छा आ गई। इतने में ही श्री कृष्ण के चरणों की गंध नासिका में गई, पुनः मूर्छा जुगी, और गंध के कारण फिर से मूर्छा आ गई, आनंद का गंध का दर्शन करके मूर्छा आ गई, फिर 5 वस्तुओं का एक साथ आस्वादन हुआ। ऐसे 6 जो मूर्छाएं हैं, उन 6 मूर्छाओं के परम आनंद में आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपत 5 भौतिक कहा, इनका 5 भौतिक शरीर कब छूट गया पता ही नहीं, अंतश्चिंत शरीर वह भगवत सेवा में विराजमान हुआ, 5 भौतिक शरीर कब छूटा पता नहीं लगा। जैसे कोई ये कहे कि
भोजन आय उपविशति, भोजन के लिए बैठता है, तो लगता यह है कि बैठने की क्रिया पहले हुई है, भोजन की क्रिया बाद में होगी, परंतु तथ्य यह है कि भोजन पहले उपस्थित हो गया है तब भोजन करने के लिए बैठा गया है, भोजन की तैयारी पहले लग गई है, या भोजन सुनिश्चित है परोसा जाएगा तब भोजन के लिए बैठा है। ऐसे ही देह भले गिरता पहले दिख रहा है, परंतु भगवत स्वरूप की प्राप्ति साधक को पहले ही हो जाती है। अतः आरब्ध कर्म निर्वाण है, प्रारब्ध कर्म जो हैं उनकी जहां पर निवृत्ति होगी, ऐसा पांच भौतिक शरीर मेरा भगवत प्राप्ति होने पर गिरा, तत्वतः भगवत प्राप्ति पहले हुई, पांच भौतिक देह बाद में गिरा। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी संतगणों की स्थिति है कि उनको चिन्मय देह की प्राप्ति पहले हो जाती है, उनके पांच भौतिक देह बाद में गिरते। श्री प्रभु ने एक बार इनको इस प्रकार उत्क्रांति सिद्धि प्राप्त कराई, सिद्धि तीन, उत्क्रांति सिद्धि, उत्क्रांति सिद्धि के बाद में भाव सिद्धि, भाव सिद्धि के बाद में फिर स्वरूप सिद्धि। पांच भौतिक देह का गिर जाना यह है उत्क्रांति सिद्धि। उत्क्रांति सिद्धि के बाद में एक बार ठाकुर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं श्री गोलोक धाम में, एक बार साधक पहुंच गया, वैकुंठ धाम में पहुंच गया, श्री कृष्ण का दर्शन उसको प्राप्त हो गया, उसने स्वरूप प्राप्त कर लिया, और स्वरूप प्राप्त कर लेने, अभी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ माने वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, उसे भाव की सिद्धि हो गई, परंतु अभी स्वरूप की सिद्धि नहीं हुई। अनंत कोट ब्रह्मांड में जहां भी कृष्ण लीला हो रही होगी वहां पर फिर उसे गोपी देह की अव प्राप्ति होगी, तीसरा जन्म प्राप्त होगा, और गोपी देह की प्राप्ति हो करके तब वह सेवा करते हुए विराजमान होगा, उसका नाम है स्वरूप सिद्धि। इस प्रकार क्रम क्रम करके मुझे तीन स्वरूपों की प्राप्ति हुई, पहले दासी पुत्र, फिर चतुर्भुज पार्षद स्वरूप, फिर मुझे नारद देह की प्राप्ति हुई। अब नारद देह में विचरण करते करते श्री वृंदा देवी जी का के साथ में मेरा संपर्क हुआ, और श्री गोपीश्वर भगवान उनके साथ में दर्शन हुआ। गोपीश्वर भगवान और श्री वृंदा देवी इनकी कृपा से मैंने जब श्री गोवर्धन तरहटी में नारद कुंड पर निवास किया और श्री यमुना जी में गोता लगाया, उस समय मैंने नारदी स्वरूप को प्राप्त किया है, गोपी स्वरूप प्राप्त करके उस समय श्री महारास का दर्शन किया, रास में मेरा प्रवेश हुआ नारदी गोपी के रूप में। इस प्रकार स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होकर के ये जीव कृतकृत्य होकर के विराजमान हुआ। ये पूरी की पूरी सर्वम इदम आख्यातम यत पृष्टोहम त्वया नघ, तुमने जो पूछा वो सब मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम श्री तदनुसार कार्य करो, अर्थात भगवत भक्ति जीव को प्राप्त हो, स्वरूप की प्राप्ति हो, मंजरी भाव की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय श्रीमद् भागवत के द्वारा प्रकट करो। ये आदेश देकर के नारद जी जो पधारे, श्री वेदव्यास जी शम्या प्राश नामक जो स्थान है वहां पर आनंद पूर्वक विराजमान हुए, और आनंद पूर्वक विराजमान होकर के श्री वेदव्यास जी ने उस समय भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को आनुगत्य पूर्वक लगाया। जब भगवान में भक्ति योग में चित्त लगाया उस समय अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम यह सम्मोहितो जीता जीवा, उन्होंने पूर्व पुरुष को देखा माने सबके कारण जो शक्तिमान है उन शक्तिमान पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन किया,
मायाम से तदपाश्रयाम, उनकी भीन आश्रय माया का दर्शन किया, और यया सम्मोहितो जीवः, जीव भी एक तत्व है परंतु वह जीव भगवान के स्वरूप को अभी प्राप्त किए हुए नहीं है, भगवान के स्वरूप का उसको आस्वादन प्राप्त नहीं है। आस्वादन प्राप्त होता तब तो वह नीचे कभी आता ही नहीं, उसका अधपतन होता ही नहीं। वह जीव दो प्रकार के हैं, एक जीव है नित्य सिद्ध, दूसरे हैं नित्यबद्ध। जो नित्य सिद्ध जीव हैं श्री गरुड़ विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमदेक्ष, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, और नित्य पार्षद होकर के ये सर्वदा भगवत उन्मुख हैं, कभी भगवत विमुख हैं ही नहीं, ऐसे जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी के जो जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ये जीव भगवान का आस्वादन इसने प्राप्त नहीं किया है, अपने स्वरूप का यथा कथनचित इसको अनुभव प्राप्त है। सृष्टि में आने के पूर्व किसी तरह से यथाकथनचित इसे अपना अनुभव प्राप्त है, जैसे सुषुप्ति में जीव को अपने आनंदात्मक स्वरूप का पूरा पूरा नहीं परंतु यथाकथनचित ज्ञान है, तभी तो वो जागने के बाद में ये अनुभव करता है कि सुखमहम अप्सुआप्सम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख में था मुझे कुछ पता नहीं है, परंतु पूर्ण आस्वादन उसे नहीं है, क्योंकि तमोगुण इतना प्रधान है सुषुप्ति में भी कि तमोगुण उसको अपने निज स्वरूप का पूर्ण अनुभव नहीं करने देता है, उसे दुख का अनुभव भी नहीं है और सुख का अनुभव भी नहीं है। सुख का एक आभास उसको कहीं स्वरूपगत होने के कारण किंचित प्राप्त है, जानने के बाद में वो अनुभव करता है मैं सुख में था। यदि सुख में नहीं होता तो उसका अनुभव नहीं होता, परंतु सुख का पूर्ण आस्वादन उसको है नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में उसके पास में ग्राहक सामग्री नहीं थी। अहम इति च प्रसुप्ते, अहंकार भी उस समय सो गया था, इसलिए उसे अपने स्वरूप का भी पूरा बोध नहीं था, थोड़ा सा जो आभास हुआ। इसी प्रकार जीव को सृष्टि के पूर्व अपने स्वरूप का यथा कथनचित आभास प्राप्त था, और उसने ये विचार किया कि मैं अपूर्ण हूं, मैं किसी तरह से पूर्णता प्राप्त करूं, और पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसने अपने से भिन्न जब माया की ओर देखा, श्री प्रभु ने भी उस जीव को कृतार्थ करने के लिए माया देवी को की गोद में उस जीव को समर्पित किया। माया इतनी प्रभावशाली है कि जीव के संपर्क में जैसे ही माया आई, माया ने अपने स्वभाव के कारण, ठाकुर ने आदेश नहीं दिया है परंतु अपने स्वभाव के कारण, भगवान किसी के स्वभाव को रोकेंगे भी नहीं, इसलिए भगवान माया को रोकते भी नहीं, उस स्वभाव के कारण माया ने दो काम किए। पहला काम तो यह किया कि जीव को जो आधा अधूरा लंगड़ा लूला जो अनुभव प्राप्त था कि मैं सुख में हूं, अपने स्वस्वरूप का यथा कथनचित जो उसे अनुभव था वो अनुभव भी लुप्त हो गया, और दूसरा माया के संग में आते ही जीव को अध्यास की प्राप्ति हो गई, अर्थात आवरण और विक्षेप इन दो शक्तियों के द्वारा, आवरण के द्वारा वह स्वस्वरूप को भूल गया और विक्षेप के द्वारा मैं देह हूं मैं प्रकृति हूं यह बोध उसमें आ गया। ये अज्ञान मैं प्रकृति हूं ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति कहां रही? अहंकार में आकर के रही, अहंकार ही मुख्य शैया होकर के विराजमान, जिसमें वो जितने भी अन्य सूक्ष्म शरीर हैं वे इस अहंकार का ही आश्रय लेकर के रहेंगे। अब यदि किसी तरह से अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो फिर सूक्ष्म शरीर और अज्ञान नष्ट हो जाएगा, जैसे ईंधन के जल जाने पर अग्नि समाप्त हो जाएगी, इसी प्रकार यदि अहंकार समाप्त हो जाए तो अहंकार के समाप्त होने पर सूक्ष्म शरीर वह भी अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ठाकुर इतने कृपालु
कि ठाकुर ने इस जीव के उस अहंकार को दूर करने के लिए जीव को किंचित स्वतंत्रता भी दी, साथ के साथ में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और संतगण उनको भी गुरुतर देव को भी पृथ्वी पर भेज दिया। उन गुरुजनों के प्रभाव से ये जीव श्रीमद् भागवत के तत्व को जान पाया और जानेगा तो फिर भगवत भक्ति की ओर जब उन्मुख होगा तो अभी जो माया के प्रति इसका जो आकर्षण था, भयं द्वितीयाविनिवेशतस्या, तीन वस्तुएं थी, एक था ईश्वर उसका इसको अनुभव नहीं, दूसरी वस्तु है जीव, उस द्वितीय वस्तु को ही ये केंद्र मान रहा है, और तीसरी जो वस्तु है जगत, उस जगत का प्रयोग अपने लिए कर रहा है कि आत्म केंद्रित होकर के ये सारा जगत मेरा भोग्य है और मैं इसका भोगता हूं। इस तरह से जगत का स्वयं भोगता बनकर के जब वह अपने आप को पूर्ण करना मान चाह रहा था तो माया देवी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। परंतु श्री भगवान की कृपा से जब गुरु और श्री भागवत का उसको संपर्क प्राप्त होगा तो वह फिर माया देवी को त्याग करके भगवान की ओर जैसे ही जाएगा वैसे ही विलज्य मानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मोया विमोहिता विकत्यन्ते ममाहम इति दुर्धियः। ब्रह्मा जी द्वितीय स्कंद में आगे वर्णन करेंगे कि माया देवी हट जाएगी और ये जीव वह भगवान के माधुर्य का तब भगवत भक्ति के माध्यम से पूरा प्राप्त आस्वादन प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु ने माया देवी को इस जीव को प्रदान किया और माया देवी को प्रदान करके माया देवी की निवृत्ति का उपाय भगवत भक्ति भी प्रदान करके इस जीव का कल्याण किया। माया देवी के आवरण और विक्षेप की जीव से निवृत्ति हो इसके लिए वेद व्यास जी तुरंत पहचान गए कि इसका उपाय एकमात्र है तो यही है कि किसी तरह से इसे भागवत की प्राप्ति हो। तो वेद व्यास जी ने भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया, जीव का दर्शन किया। जीव को अपने स्वरूप का यथाकथनचित ज्ञान था परंतु माया से वो विमोहित हो रहा है। तो उस समय उन्होंने जया संबोहितो जीवः, माया से संबोहित जीव को भी देखा और जीव की निवृत्ति करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवती संहिता की समाधि में दर्शन किया। 18 पुराण पहले प्रकट हो गए थे, उनमें भागवत भी एक पुराण थे परंतु वे पुराण क्रांत वित्रांत खंडित थे, आगे का पीछे पीछे का आगे कहीं नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, निर्णय नहीं हो पा रहा है। परंतु समाधि में जब श्रीमद् भागवती संहिता को देखा वो वर्तमान रूप में वे ही 18,000 श्लोक एक क्रम के साथ में जैसे आए, जैसे कोई एक पॉइंट दबाए कंप्यूटर का और पूरा का पूरा ग्रंथ अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए, अलग से करने ही वो ही जो 18,000 श्रीमद् भागवत थे वे ही वर्तमान रूप में व्यवस्थित रूप में सामने एक पूर्ण रूप में सामने उपस्थित हुए। यदि इतिहास क्रम को देखें तो वेदों की रचना करने के बाद में 18 पुराणों की रचना, 18 पुराणों की रचना के बाद में महाभारत की रचना, महाभारत की रचना के बाद में फिर भागवत की रचना, इससे पता लगता है कि भागवत की रचना महाभारत के पहले भी थी और बाद में भी थी, तो दो जगह भागवत की रचना कैसे हो जाएगी। उसी का समाधान है कि अपश्यत पुरुषम पूर्ण, उस समय उन्होंने श्री श्रीमद् भागवत को समाधि में देखा और समाधि में देख करके ससहिताम भागवतीम कृत्वा, समाधि में श्रीमद् भागवत को जब देखा तब उस श्रीमद् भागवत को अनुक्रम में चात्मजः, जब दोबारा उसकी रीडिंग की पढ़ा अनुक्रम में तो कृत्वा तो पहले था
फिर अनुक्रम में माने समाधि में वो एक क्रम में सामने आए, फिर जब उसको देखा तो मन में विचार कर रहे हैं कि अरे मैंने जो ब्रह्मसूत्र लिखे थे उनका ये श्रीमद् भागवत तो अकृत्रिम भाष्य है, अब इसके ऊपर भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ब्रह्मसूत्रों का अपने आप भाष्य है, ऐसा विचार करके विचार कर रहे हैं कि इस ग्रंथ का अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव है, परंतु वो तो जन्म लेते ही वन में चला गया। सो श्री सुखदेव जी ने अपने चार शिष्यों को चार श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ा करके भेजा। सुखदेव जी ब्रह्मलीन होना चाह रहे हैं, इतने में ही एक शिष्य ने उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति में, जीवन मुक्तता की स्थिति में सुखदेव जी के सामने एक श्लोक पढ़ा, भागवत यदि प्राकृत होती तो निर्विकल्प समाधि की स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाती, परंतु यहां पर निर्विकल्प समाधि की स्थिति में भी श्रीमद् भागवत ने प्रवेश किया और वेद व्यास जी ने उस श्लोक को सुना, श्री सुखदेव जी ने सुना कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वास कनक कपशम वैजयम तीम चिमालाम रंध्रान वेणो रहर सुधया पूरेन गोपवृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेणुनाद के ऐसे सुंदर श्लोक को सुन करके सुखदेव जी ने तो पट नेत्र खोल दिए और निर्विकल्प समाधि से बाहर कृष्ण वेणु माधुर्य से आकृष्ट होकर के जो देखने लगे कि ऐसा वेणु माधुर्य किसका है, सो ही दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया कि नौ मीड्यते भ्रबपुषे तदम्बरायो गुंजावतम स परिपिच्छ लसन मुखायो। आहा बड़ी सुंदर रूप माधुरी है आप, नव कौपौगंड्य अवस्था में विराजमान हैं, मयूर मुकुट माथे के ऊपर धारण कर रखा है, सुंदर पीतांबर उसकी छिटकन न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है, कान में गुंजा के अवतंस न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, मयूर मुकुट की झुकन वनमाला कंठ में धारण कर रखी है, कमर में सुंदर महिषश्रृंग वेणु जिनके हाथ में कमर में लगा हुआ है, एक एक बछड़ा बालक को ढूंढते हुए डोल रहे हैं। जो रूप सुना आश्चर्यचकित हो गए, बोले ओहो ऐसा सुंदर रूप, परंतु जाने उनके पास में परकर कैसा है, कहीं ऐसा न हो कि परकर के साथ में हमारी कहीं पटरी बैठे कि नहीं बैठे। तीसरे शिष्य ने तुरंत तीसरा श्लोक परकर का वर्णन करने वाला कह दिया, धाम की परकर की महिमा का कि जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रेति इंद्रराशुदत्री दैत दिश्यताम दीक्षुताव का तय धृता सवस्ताम विचिन्वती, कि उनका वो परकर उनको भी ढूंढते हुए डोल रहा है, अरे दैत अरे प्यारे अरे दया करने वाले दृश्यताम दिखा दे अपने उस रूप को, उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। तय धृता सवह हमारी आयु तुझे लग जाए, पाम विचिन्वते तुझको ढूंढ रहे हैं, बोले ऐसे प्रेमी परकर के साथ में तो हमारी पटरी बैठ जाएगी, परंतु वो मिलेगा कहाँ, जाने उसके गुण कैसे हैं, परकर तो बड़ा कृपालु है परंतु वो कृपालु है कि नहीं, जाने हमने किसी की चाकरी कर रखी है और उसकी चाकरी छोड़ी, कहीं नए मालिक के साथ में हमारा मन मिले कि नहीं मिले, बोले इसकी चिंता मत करो। चौथे शिष्य ने चौथा श्लोक पढ़ दिया कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान से आप आए अदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमो, कि बकी पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, परंतु उसको भी जिसने धातुचित गति प्रदान कर दी, बताओ ऐसा दयालु कृपालु दूसरा मिलेगा का। ऐसे जिस समय गुणों का गायन किया, का गायन किया है, हरे गुणाक्षिप्त मति ही भगवान पादरायणी, भगवान के गुणों से आक्षिप्त मति होकर के
श्री सुखदेव जी खींचे हुए चले आए और आप श्री कृष्ण में अपूर्व प्रीति करने लगे। इत्थम भूत गुणो हरि है, हमारे हरि का यह विशेषता है। ये इत्थम भूत माने जन्मजात स्वाभाविकी उनकी विशेषता है कि वे आत्माराम गणों को भी आकर्षित कर लेते हैं। आत्माराम गणाकर्षी ये कृष्ण का सहज स्वरूप है। इत्थम भूत गुण, इत्थम भूत गुण का मतलब है कि सहज गुण है, स्वाभाविक गुण है। ये हरि का जो जगत को हरण करने वाले हैं वे आत्माराम को भी हरण कर लेते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मारामाश्चर्य चाहे संसारी हो, चाहे योगी हो, चाहे ब्रह्मोपासना करने वाला हो और चाहे प्रेमी हो, आत्मा शब्द किसी के लिए पुत्र धनी ही आत्मा है, किसी के लिए चैतन्य जीवात्मा वो आत्मा होकर के विराजमान, किसी के लिए आत्मा होकर के परमात्मा जो ब्रह्म है वो आत्मा, और किसी के लिए आत्मा शब्द परम प्यारे श्री कृष्ण, परंतु चारों ही प्रकार के जनों को श्री कृष्ण सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। तो आत्माराम सभी कहलाए, संसार में जो है उनके लिए तो धनी आत्मा है बेबी आत्माराम, किसी के लिए ब्रह्मात्मा राम, किसी के लिए जीवात्मा आत्माराम, किसी के लिए कृष्ण आत्मा होकर के विराजमान, इन सबको यदि एक साथ कहना हो तो क्या कहा जाएगा? जैसे रामश्च 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 रामाहा एक साथ कह दिया जाएगा एक शेष द्वंद में, तीन राम हुए, एक राम हुए परशुराम, दूसरे राम हुए बलराम, तीसरे राम हुए श्री दशरथ नंदन राम, परंतु रामा कहने से तीनों का बोध हो जाए। ऐसे ही कोई कैसा भी आत्मा राम हो, किसी को भी आत्मा मानता हो, चाहे धन को स्त्री को ही आत्मा मानता हो, ऐसे जन भी कुर्वन्ति अहितुकी मृति, कृष्ण में अहितुकी प्रीति करते हैं। वे निर्ग्रंथा, जिनकी ग्रंथि कट गई हैं, ग्रंथि कौन बोले पत्नी के साथ में जिनकी ग्रंथबंधन खुल गए हैं, जिनकी यज्ञोपवीत की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी शिखा की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी कौपीन की ग्रंथि खुल गई है, जिनकी पुस्तकों की जो लपेट करके बगल में पुस्तक शास्त्र उनकी ग्रंथि लेकर के चल रहे थे, ऐसी ग्रंथि जिनकी खुल गई है, ऐसे निर्ग्रंथा ग्रंथि ग्रंथ जिनके खुल गए हैं, ऐसे लोग भी कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिं, श्री कृष्ण में अहितुकी भक्ति करते हैं। भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहते, सेवा मिलती रहे केवल यही चाहते। इत्थम भूत गुणो हरि, श्री गोविंद के गुण ही ऐसे हैं। ये वक्ता के चरित्र का निरूपण किया, अब श्रोता परीक्षित महाराज उनके चरित्र का निरूपण कर रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में जब बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, आज महाभारत का अंतिम दिन है 18वां, भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की हुई है कि सभा के बीच में जिसने द्रौपदी को अपनी जंगा दिखाई, मैं इसकी जान को ही तोड़ दूंगा। सो अपनी गदा मार करके भीमसेन ने दुर्योधन की जान को तोड़ दिया, जैसे कोई केले का पेड़ बीच में से टूट गया हो, कोई पत्ता बीच में से टूट गया हो, ऐसे दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। मिट्टी के डेलों से चील कौआ गिद्ध इनको भगा रहे हैं। इतने में ही कहीं से अश्वत्थामा चले आए और अश्वत्थामा बोले कि देखो तुमने हमको अपना सेनापति नहीं बनाया, इससे तुम्हारी ये दशा हुई। अब भी कोई बात नहीं, यह सेनापति बना दो तो हम पांडवों के सिर तुमको ला करके दे दें। वहीं राज तलक कर दिया गया है, सेनापति पने का तलक कर दिया गया है। ये दुष्ट तो रात्रि के समय गया, श्री कृष्ण को जाने कहां से भनक मिल गई। कृष्ण ने पांडवों को उस समय अपने शयन के स्थान से हटा दिया और उनकी जगह पांडवों के पांच पुत्रों को शयन करा दिया है। प्रतिबंध आदि जो
पुत्र हैं, उनके नाम है प्रतिबंध, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन। इन पांच पुत्रों को शयन करा दिया। अश्वत्थामा ने इनको ही पांडव समझ करके सोते हुए द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, इनको मार दिया। द्रौपदी अपने पुत्रों के क्षत विक्षत शरीर को जिस समय देख रही हैं, अत्यंत अत्यंत दुखी हो रही हैं, छाती माथी कूट रही हैं। इतने में ही अश्वत्थामा आए और बोले, हे भद्रे, तुम सोच मत करो, जिस आत्ताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया उसके सिर को लाकर के मैं तुमको प्रदान करूंगा। जोर से पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण पास में ही खड़े थे, बोले आज्ञा। बोले चलो, आप तो रथ लेकर के पास में खड़े, खन खन करता हुआ अर्जुन का रथ जो युद्ध भूमि में आया, अश्वत्थामा तो प्राण बचा करके भागा है, जिधर जाए उधर कृष्ण को ही, अर्जुन के रथ को ही अपने अपना पीछा करते हुए जो देखे, अश्वत्थामा तो घबरा गया। और उस समय अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन तो उस अग्नि को देख करके घबरा गए। श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण कृष्ण महाबाहु, ये अग्नि कहां से आई, ये क्या है? भगवान बोले, अर्जुन, अरे वीर है, कोई तेरी अपरिचित वस्तु थोड़ी है, तू तो इसके प्रयोग को जानता है। देख, ये द्रोण पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन मात्र किया है, परंतु वह अधूरी विद्या जानता है, तेरे पास में पूर्ण विद्या है। ब्रह्मास्त्र का एक स्वभाव है कि ब्रह्मास्त्र खाली नहीं लौटता, परंतु उसको लौटाने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि यदि अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के आगे न्यून शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को आए, तो अधिक ब्रह्मास्त्र न्यून ब्रह्मास्त्र को अपने भीतर आत्मसात कर लेगा, फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को तू लौटा लेना, अन्यथा ब्रह्मास्त्र अप्रतिहत है, वह लौटाया नहीं जा सकता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, प्राणायाम करके अपने अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को जो भेजा। अल्प शक्ति अधूरी विद्या वाला जो ब्रह्मास्त्र था उसको अपने भीतर आत्मसात किया। दो अस्त्र आकाश में जो चट-चट करके लड़ने लगे, भगवान बोले, बोले अर्जुन करता क्या है, आज ही प्रलय करेगा क्या? दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच, जो ब्रह्मास्त्र को खींचा, संग में बधे हुए अश्वत्थामा भी चले आए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा करते हुए बोले, बोले अर्जुन देखता क्या है, इसे मार दे। तूने मेरे सामने प्रतिज्ञा की है कि जिसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा उसके सिर को लाकर के तू द्रौपदी को प्रदान करेगा, इसको मार दे, इसके सिर को ले ले। अर्जुन बोले, महाराज मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है, भगवान तो गले से लग गए। बोले अर्जुन, धन्य धन्य, तेरी वास्तव में धर्म में स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्जुन कह रहे हैं, बोले महाराज जब तक इसके हाथ में धनुष था, ये युद्ध कर रहा था, इसे निसंदेह मार देता बिना संकोच के, परंतु इस समय ये युद्ध नहीं कर रहा है, इस समय ये युद्धबंदी है, और युद्धबंदी को मारना यह तो कायरता होगी, धर्म के विरुद्ध होगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। आप बोले, अर्जुन जैसे दादा कहेंगे वैसे करेंगे। अर्जुन का रथ जो शिविर पर आकर के रुका, खनखन आवाज को सुनकर के सारे पांडव घर के बाहर निकल आए, सारे शिविरवासी बाहर निकल आए, और सब उस समय अर्जुन धन्य अर्जुन धन्य अर्जुन कहकर के अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। हल्ला सुनकर के द्रौपदी जी भी बाहर निकल आई हैं। बाम स्वभावा कृपया न नाम चो है बामा, परंतु दया पूर्वक प्रणाम करती हुई बोली कि मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु,
बोले महाराज छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, एक तो ब्राह्मण पे हाथ ही नहीं उठाना चाहिए और उसमें ये तो गुरुजी हैं, इनको कैसे मारोगे। महाराज जिनसे आपने सारे वेद धनुर्विद्या सारे अंगों के साथ में पढ़ी, बोले गुरुजी तो परसों ही समाप्त हो गए। बोले ऐसा विचार मत करो सहेश भगवान द्रोण है, परसों क्या तरसों यही समाप्त हो गए। बोले नहीं नहीं सहेश भगवान द्रोण है प्रजा रूपेण वर्तते, ये भगवान द्रोण ही प्रजा रूप में अब विराजमान है संतान के रूप में। मैं तो अपने छाती के ऊपर हाथ रख करके देख रही हूं कि जैसे मैं अपनी पुत्रों के लिए रो रही हूं ऐसे मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, वो पतिव्रता गौतमी अपने इस प्रिय पुत्र अश्वत्थामा के लिए रुदन नहीं करे। मारे ऐसा मत विचार कीजिए, अभी श्री द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी पत्नी विराजमान है और ये पुत्र भी पिता के ही स्वरूप हैं। सहेश भगवान द्रोण है, द्रोण ही यहां विराजमान है। ऐसे धर्म न्याय करुणा से भरे हुए द्रौपदी के वचन को सुनकर के सब धन्य द्रौपदी कहकर के प्रशंसा कर रहे हैं। उस समय भीमसेन पे नहीं रहा गया, वो एक तो सोते हुए बालक को मारो और ऊपर से कह रहे हो छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ते हो तो मैं मारता हूं। आज बड़े दिन में श्री द्वारकाधीश की चार भुजाएं काम में आई, दो भुजा से आपने भीमसेन की जेट भरी और कह रहे हैं भीमसेन ने ठंडे ठंडे जरा सा धैर्य रख धैर्य रख। एक भुजा से द्रौपदी का कंधा थपथपाया और एक भुजा उठा करके अंगुली दिखाते हुए अर्जुन से बोले, बोले अर्जुन ब्राह्मण कितना भी पापी हो उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, परंतु आता ही हो अर्थात अस्त्र लेकर के मारने के लिए आएगा तब तो मारा ही जाएगा, उसको मार देना चाहिए। देख मेरा प्रिय कर अपने वचन की रक्षा कर, भीमसेन का प्रिय कर द्रौपदी का प्रिय कर। अर्जुन के सामने अब एक घाटी उत्पन्न हो गई, दो व्यक्ति कह रहे हैं कि मार दो। अर्जुन ने स्वयं ने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी को एक पुत्रों को मारने वाले का सिर काट के दूंगा और भीमसेन भी कह रहे हैं मार दो, और दो जने कह रहे हैं मत मारो, द्रौपदी भी कह रही है मत मारो और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्राह्मण कितना भी दुष्कर्म हो कर्म न करे फिर भी ब्रह्म बंधु उसको कहेंगे, जन्म से ब्राह्मण परंतु न संध्या करे न बंधन करे न ब्राह्मण पने का कोई भाव है उसमें, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा जाएगा, ऐसे ब्रह्म बंधु को मत मार, उसको भी नहीं मारा जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं मारो, द्रौपदी कह रही है नहीं मारो, अब क्या किया जाए। अर्जुन तुरंत पहचान गए भगवान क्या कहना चाहते हैं और अर्जुन ने एक मार्ग निकाला और उन्होंने तलवार लेकर के अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा का सिर मूड़ दिया और मूड़ करके जो केश हैं उनको द्रौपदी के हाथ में दे दिया। केश भी तो सिर के शरीर का ही एक भाग है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भीमसेन का भी मन रह लिया क्योंकि ब्राह्मण के अपमान वही ब्राह्मण का वध है, तो भीमसेन का मन भी रह गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारा जाए, कृष्ण की इच्छा भी पूरी हो गई और द्रौपदी की इच्छा भी पूरी हो गई, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया है। ब्राह्मण का यही वध है कि वपनम द्रवणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एषे ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः, कि उसका सिर मूड़ दिया जाए, धन को छुड़ा लिया जाए, धक्का दे करके शिविर के बाहर निकाल दिया जाए, यही ब्राह्मण का वध है, अन्य कोई वध नहीं है। श्री सूत जी कह रहे हैं सारे पांडवों ने उस समय अपने बंधुओं का श्राद्ध कर्म इत्यादि जो कार्य हैं
उनको पूरा किया है। दुष्ट को छोड़ दो परंतु दुष्ट दुष्टता किए बिना नहीं माने। छोड़ तो दिया गया अश्वत्थामा को, परंतु अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं एक पांडव पृथ्वी के ऊपर नहीं रहने दूंगा। सो अश्वत्थामा ने उस समय 5-6 ब्रह्मास्त्र एक साथ छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5ों पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर। उत्तरा भयभीत होकर के कृष्ण के पास में आई। श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञा कहे किए हुए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु कृष्ण ने युद्ध भी किया और अस्त्र का प्रयोग भी किया। सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सुदर्शन चक्र ने जितने भी पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र आए थे उनको समाप्त किया। और दूसरा स्वयं गदा लेकर के गर्भ के भीतर गए उत्तरा जी के और आपने परीक्षित भगवान महाराज की रक्षा की। परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं ये कौन है जो मेरे साथ मां के गर्भ में विराजमान है। ऐसे 9 महीने तक आप परीक्षित की रक्षा करते रहे। जब परीक्षित की रक्षा हो गई उस समय भगवान अंतर्धान हुए हैं। श्री द्रौपदी जी आप व्याकुल हो रही हैं, इतने में कुंती भुआ दौड़ी दौड़ी चली आई हैं और चरणों में प्रणाम करती हुई बोली, कृष्ण जैसे ही द्वारका लौटना चाह रहे हैं आपने एक चरण रथ की पैजनी के ऊपर रखा है, एक चरण कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर रखा है और जैसे ही आप जाना चाहें। श्री कुंती जी दौड़ी हुई आई और चरणों में प्रणाम करती हुई कह रही हैं कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम। बोले हे आद्य सर्व कारण कारण, हे ईश्वर प्रकृति से परे, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। मारे आपने माया की ऐसी जवनिका डाल रखी है कि हम भक्तगण आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। माया का तात्पर्य है ममता की, तो निज परकर में तो ममता की जवनिका है और संसार जो है उसके ऊपर आपने अज्ञान रूपी माया की जवनिका डाल रखी है। माया के 2 स्वरूप हैं, मियते अनया इति माया, जिसके द्वारा जगत की रचना की जाए उसका नाम माया, वो है त्रिगुणात्मिका माया। दूसरा माया का अर्थ है कि माया दंभे कृपायां च, अभिधान कोश में माया के 2 अर्थ हैं, कृपा और दंभ, ये दोनों माया के अर्थ हैं। अभिधान और कोश ये 2 अलग अलग चीज हैं। अभिधान कहते हैं उसे जहां एक शब्द से कई अर्थ निकले, एक शब्द के कई अर्थ हों, उसका नाम है अभिधान। कोश उसका नाम जहां पर्यायवाची सिनोनिम्स उनको प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम है कोश। तो अभिधान में माया शब्द का अनेक अर्थ हैं। माया का एक अर्थ होता है दया, ममता, भ्रम, ये कई अर्थ में माया, कृपा, ये माया के कई अर्थ हैं, तो इसको कहेंगे अभिधान। तो माया जवन का छंदम, अभिधान के अनुसार प्रभु आपने जगत के जीवों को तो भ्रम में डाल रखा। माया शंबक करी प्रोक्ता, माया जो है वह भ्रम को जो उत्पन्न करे उसका नाम माया। और माया का 2 अर्थ है जगत की रचना करने वाला और माया का 3 अर्थ है दया। तो आपने अलग अलग प्रकरणों को, किसी को भ्रम, कहीं जगत के कारण और कहीं आप दया के रूप में, ममता के रूप में, कृपा के रूप में विराजमान। हम भक्तों के ऊपर भी आपने ऐसी कृपा कर रखी है कि हम आपके स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। हे कृष्ण वासुदेव आपको प्रणाम है। प्रभो देवकी जी की रक्षा आपने एक बार की, परंतु मेरे ऊपर जब जब भी आपत्ति आई तब तो आपने मेरी रक्षा की।
इसलिए देवकी से तो अधिक सौभाग्यशाली मैं हूं।